بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خلق السماوات الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العلي العظيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت موزن کیا اور دوسرا موزن وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم جی شہر رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کا ساتواں روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور جناب قاری رفعت عباس صاحب کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ انہوں نے اپنی خوبصورت آواز اور انداز میں تلاوت کلام پاک سے شہر رمضان کا آغاز کیا اور میں اور رفعت بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ گرمی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو گرمی آ نہیں رہی گرمی آ گئی ہے تو اس موقع پہ میں دعا کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بڑے بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے جو باہر اس موسم میں جاب کرتے ہیں ان کی جو جاب کی نوعیت ہے نیچر آف جاب ہے وہ تھوڑی ٹف ہے تو اللہ پاک رمضان میں ان کے لیے آسانیاں فرمائے روزے کے ساتھ ان کے روزے آسانی سے گزریں اور موسم کی گرمی میں تھوڑی سی نرمی رہے جناب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے سبھی اسپانسرز کا جو شہر رمضان کا حصہ ہیں مرحبا گل بہار پھلوں پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے ارقیات سے تیار کردہ مرحبا گل بہار جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار مرحبا گل بہار کی موٹر بائکس بھی شہر رمضان کا حصہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ مرحبا گل بہار
और गर्मी की बात की थी तो फिर कैनन है ना जनाब। कैनन के हमारे पास एयर कूलर हैं, कुकिंग रेंज हैं और आयरन्स भी हैं। और एयर कूलर के बारे में जी, इसका 70 लीटर का बिगेस्ट वाटर टैंक चले रात भर 12 घंटे से भी ज़्यादा, जबकि इम्पोर्टेड पावरफुल मोटर से मिले बिजली की ढेरों बचत। तो कैनन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। रमज़ान का बबरकत महीना, स्पार्क्स स्मार्टफोन लाया आपके लिए तोहफों का ख़जाना। स्पार्क्स स्मार्टफोन की जानिब से जीतने वाले खुश नसीब को स्पार्क्स स्मार्टफोन्स का तोहफा, शाइन विद स्पार्क्स। ओके जी, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक भी हमारे साथ हैं, उनके गिफ्ट हैम्पर्स भी शहर रमज़ान में हैं। और उनके साथ साथ फिर अली असगर परफ्यूम, मिडल ईस्ट का मशहूर ब्रांड जो इस साल अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। असगर अली के तमाम परफ्यूम बहरीन में बनते हैं और पाकिस्तान में ये परफ्यूम असगर अली के स्टोर्स और इम्तियाज़ सुपर स्टोर्स में दस्तयाब हैं। तो असगर अली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। करशी जामे शिरी वो भी हमारे साथ है। और अलाइट फूड पाकिस्तान में टेस्ट एंड के नाम से बिस्किट और वेफर्स बनाने वाला इदारा, लज्जत और क्वालिटी से भरपूर बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद, टेस्ट लैंड का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बच्चों की बात हो रही है तो जनाब तिफल बेबी डायपर वो भी शहर रमज़ान में हमारे साथ हैं। तिफल बेबी डायपर पाकिस्तान की पहली ISO 9000 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी। तो तिफल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वी लाइक टू थैंक फॉर्म फील्ड सिंस 1990 जिनकी प्रोडक्ट्स में शामिल हैं देसी घी, राइस, मोज़िला एंटायर चीज़, दिनाली वाटर, सॉल्ट, कंट्री ग्रेन्स, देसी स्पाइसेस, हैप्पी हैन एग्स, कंट्री शुगर। और ये सब कहाँ मिलता है जनाब? ये सब मिलता है अलफतेह, अलफतेह यहाँ सब मिलता है। तो अलफतेह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शहर रमज़ान के साथ रहने के लिए। और अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुकून वेलनेस जनाब, हमारा जो बड़ा बेहतरीन बल्कि मैं कहूँगा सबसे बेहतरीन सेगमेंट है सुकून की आवाज़, जिसमें नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने बच्चे पेश करते हैं। और सुकून की आवाज़ के विनर के लिए सुकून वेलनेस की तरफ से उम्रे का टिकट है। और सुकून की आवाज़ में जो हमारे रनर अप हैं उनके लिए भी सुकून वेलनेस की तरफ से जनाब 50,000 कैश प्राइस अनाउंस किया गया। तो सुकून वेलनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहर रमज़ान में सुकून बांटने के लिए। तो जनाब आपसे बात करेंगे, नंबर आप लिख लें 0317-2424-045। ये वो नंबर है जिससे हमारा और आपका रابطہ होगा। वैसे तो दिल का रابطہ, दुआओं का रابطہ जारी और सारी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सिटी 42। अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक का सातवां रोज़ा आपको बहुत मुबारक हो। मंडे फर्स्ट वर्किंग डे, गर्मी में भी थोड़ा इजाफा हो गया लेकिन स्पिरिट्स हाई होनी चाहिए। और रोज़ा रखने के साथ साथ हमें अपनी जॉब्स पर जाना है, काम निभाना है, फ़र्ज निभाना है और यही ज़िंदगी का तराना है जिसे हमने गाते जाना है। वाह 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 वाह। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आज भी हमारे साथ शहर रमज़ान में हमारी महफिल में यहाँ पर मौजूद हैं। ही इज़ हेड ऑफ यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन जिना हॉस्पिटल। वी हैव विद अस डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, रमज़ान की बरकतों से बेहतरीन सब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आसानियाँ रखें। हमें हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाते हुए डर लगता है लेकिन जब डॉक्टर्स यहाँ आते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन में बड़ा इजाफा होगा और ऐसी ऐसी टिप्स मिलेंगी कि हमें जाना ही ना पड़े। लेकिन सिटी में डॉक्टर्स को कभी भी आते हुए डर नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम डॉक्टर्स का और तमाम मरीजों के मसाइल के हल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे खुशी होती है हमेशा। और सिटी की एक अच्छी बात यह है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हमेशा एक जिद्दत दी है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए, चाहे वो मरीजों का मसला हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन हो, तो हम तो बड़े खुश होकर आते हैं। क्या बात है जी। साथ बिस्मिल्लाह जी आए, वार्मली वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब वही बात आ गई कि हम दिल की बात भी करते हैं, दिमाग की बात भी करते हैं, आज हम किडनी की बात करेंगे और तफसील से करेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत से मेरे जैसे ऐसे लोग हैं आमतौर पर जिन्हें इतना नॉलेज नहीं है इस हवाले से, तो मैं चाहूँगा ज़रा हमें डिटेल से बताएं कि ये जो मर्ज़ हैं किडनी के जिसमें लोग मुब्तला होते हैं और पथरी बन जाती है, ये चीज़ें ज़रा इसके बारे में ज़रा डिफ़ाइन करें।
देखिए, जो इंसान के जो बुनियादी अज़ा हैं, जो आप ये कह लें कि ज़िंदगी की गाड़ी को रवान रखने का नाम है, वो दिल भी है, फेफड़े भी हैं, दिमाग भी हैं और गुर्दे भी हैं। गुर्दों का बेसिकली काम बॉडी के अंदर ये है कि बॉडी के अंदर जितने भी फासद और एक्स्ट्रा मादे बनते हैं, जो जो नुकसानदेह ज़रात हैं, जो केमिकल बॉडी प्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ज़रिए, ये उसको जिस्म से बाहर पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ यही काम नहीं करते, ये जिस्म में खून बनाने का और विटामिन डी बनाने में भी मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। तो सो गुर्दों का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना दिल का है, जितना फेफड़े का है, जितना दिमाग का है। अब गुर्दे, आपको पता है कि हर वक्त वहाँ से केमिकल सब्सटेंसेस, क्रिस्टल सब्सटेंसेस, जो भी आप खाते हैं, अल्टीमेट फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसकी गुर्दे में होती है। तो उसकी वजह से गुर्दे बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर आजकल जो बड़ा है वो गुर्दे की पथरी है। तो गुर्दे की पथरी क्यों बनती है, इसकी बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि जो आपका ब्लड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होकर यूरिन की शक्ल इख्तियार करता है, मतलब खून के निचोड़ के या कह लें कि खून की सफाई होने के बाद जो चीज़ निकलती है वो यूरिन होता है। अब उसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिस्टलाइन चीज़ें होती हैं, तो जो जब जम जाती हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, तो वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब बहुत सारे ऐसे अमल है, सबसे बड़ा जो फैक्टर पथरी बनने का अमल है वो पानी का कम इस्तेमाल है। बिलखसूस जैसा कि रमज़ान शरीफ के अंदर आपको पता है कि सुबह रोज़ा रखा होता है मुसलमानों ने और पानी का इस्तेमाल कम हो जाता, तो इसमें पथरी, जिनको अंडरलाइन पथरी की बीमारी चल रही होती है, वो बढ़ जाती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रमज़ान के अंदर अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। जैसे आजकल अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास रहमत है कि मौसम जो है बेहतर है, प्लेजेंट है, अगर यही रोज़े थोड़े जैसे कि गर्मियों में होते तो उसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा होती। इसके बावजूद 12 गिलास जो पानी है सहरी और इफ्तारी में आपको पूरा करके पीना है। तो ये नहीं है कि 12 गिलास 6 गिलास इकट्ठे बैठ के सहरी में पी ले और आप कहें जी मैं जो अफारा हो गया और बैठ गए और तंग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब 12 ग्लास का ये करने का है कि जब आप सैरी कर रहे हैं उसमें भी पानी, वाटर इनटेक 2-3 ग्लास कंफर्टेबली जितना ले सकते हैं, अफ्तारी के वक्त भी लें और अफ्तारी के बाद कंसेक्यूटिवली पीते रहें, सो दैट जो 3 लीटर की रिक्वायरमेंट है आपकी वो पानी की मुकम्मल हो जाए, नंबर वन। दूसरी अहम चीज़ ये है जो गुर्दों की पथरी बनने के प्रोसेस में आती है, कुछ लोगों को ख़ानदानी मौरूसियत होती है, मौरूसी बीमारी होती है, उनको भी अपने गुर्दों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद खुराक बहुत अहम किरदार अदा करती है, बिलखसूस सब्ज़ पत्ते वाली पथरियाँ, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, मीट का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल है, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, नमकीन और फैटी डाइट्स हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से भी पथरियाँ बनने का अमल जो बढ़ जाता है। कुछ लोगों में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, वो भी पथरियाँ बनाने के एक अमल का जो है हिस्सा बनता है। तो ये जितनी एहतियाती तदाबीर हैं अगर ये की जाएँ और बिलखसूस रमज़ान के अंदर अपने के पानी का इस्तेमाल मुअत्तदल किया जाए तो पथरी से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो आप खुद ही अगर परहेज़ करेंगे तो इलाज की नौबत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि लाहौर में जगह जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दावा करते हैं कि जी 2 पूड़ियाँ सफ़ू पथरी का खात्मा कर देंगे, ये क्या है ये जो जगह जगह पर लोगों ने? सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पथरी के नुकसानात क्या होते हैं, और उससे भी अवलीन बात यह है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि पथरी के अलामात क्या हैं। देखिए, आपको पता है कि जब भी पथरी होएगी गुर्दे के अंदर मेजोरिटी केसेस के अंदर दर्द होती है और बहुत शदीद दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? जब पथरी होती है गुर्दा ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने से गुर्दा फूलता है और उस वजह से उसका एक अपना मैकेनिज्म, बेसिकली जो दर्द जिस्म में किसी भी हिस्से में है तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है, ये आपको मुतनब्बे करता है कि आपके जिस्म के अंदर कोई खराबी पैदा हो रही है, फौरन से इसको ठीक करें। तो सो दर्द होना भी एक अल्लाह ताला की नेमत है कि आपको पता चल जाता है कि आपके जिस्म में कोई इंडिकेशन हो जाती है, मतलब इशारा हो जाता है कि कोई खराबी हो रही है। तो उसके अंदर सबसे पहले दर्द जब होती है तो दर्द से गुर्दे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक होते होते अल्टीमेटली अगर आप उस पथरी का इलाज नहीं करते तो क्या होगा कि गुर्दे सूजेंगे, एक वक्त आएगा सूजते सूजते आखिरकार वो सुकड़ना शुरू हो जाएंगे और काम करना छोड़ देंगे। जो आपका सवाल पे मैं आ जाता हूँ, जो सफूफ की बात करते हैं, होता क्या है, ये आमतौर पे सफूफ या होम्योपैथी की जितनी अद्वियात होती हैं इनमें स्टीरॉयड शामिल होते हैं। स्टीरॉयड क्या करते हैं कि दर्द की जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर देते हैं। अब मरीज़ के गुर्दे के अंदर पथरी नुकसान करी जा रही है, गुर्दा ख़राब करी जा रही है, लेकिन उसको महसूस ही नहीं हो रही उस दवाई के ज़रिए, तो मरीज़ ये समझता वाजिबा देखें मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वो ठीक नहीं हो रहा होता, अंदर उसका गुर्दा खराब हो रहा होता है। होता क्या है कि 6 महीने साल बाद जब वो आता है, उसको दर्द तो उसका स्टीरॉइड्स और बाकी मेडिसिन्स खाने की वजह से मास्क हो चुका होता है, लेकिन गुर्दे में
नाकाबले हद तक नुकसान पहुंच चुका होता है, हो चुकी होती है, हो चुकी जो हालत इवन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्दों की वजह से, पत्थरियों की वजह से जो गुर्दों में खराबी पैदा होती है उसके सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंस है वो पाकिस्तान के अंदर है। सर हम गुर्दों के बारे में आज, मैंने वैसे दिल की बात की हमेशा लेकिन आज गुर्दों की बात सुनकर भी बड़ा मजा आ रहा है और बड़ी डिटेल से डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी इस निशिश को यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए सिर्फ 42। हमारे बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। नेस्ले नैनग्रो की यूनिक फॉर्मुलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे। एक्वाफीना, जो कि वर्ल्ड क्लास हाइड्रो 7 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। की बात हो रही तो मौसीकी रूह की गजा, अगर आप इजाजत दें तो हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े माया नाज, बड़े बेहतरीन कवाल महबूब मियां मीरी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम एक कवाली की रिक्वेस्ट कर लें उनसे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है, मैं भी इंतजार करूं क्योंकि वक्त में जो उन्होंने धुनें लगाई उसके बाद तो बनता है कि इनसे कलाम सुना जाए। बिल्कुल जी, तो जनाब ओवर टू यू, हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही मोहतरम महबूब मियां मीरी साहब।
खुदी मुझको, बेखुदी मुझको काम खींच के ले आई है, 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 गुंबदे सब्ज पे रहमत की घटा छाई जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। मैक्सॉफ्ट में है लिक्विड लॉक टेक्नोलॉजी जो नमी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करे। वॉश के बाद ड्राई जरूरी। मैडिसन स्क्वायर, गुलबर्ग 3 लाहौर, हाई एंड कमर्शियल आउटलेट्स और कियोस्क्स, 5 स्टार होटल रॉयल स्विस की जानिब से एक्स्ट्रावेगेंट होटल सुइट्स, तमाम मुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा बुकिंग सिर्फ 30% डाउन पेमेंट से और बकाया अदायगी आसान एक साथ में अदा कर। 111-333-333 ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। हर Flash Fiber Power Play Offer से सिर्फ ₹39.99 में मिले 100 Mbps Lightning Fast Internet, क्योंकि Flash Fiber के पास स्पीड बहुत है। इतिहाद टाउन फेज 2 2.66-5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। इंस्टॉलमेंट सिर्फ ₹35,000 से। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ شہر رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا ساتواں روزہ مبارک ہو آپ کو۔ جناب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہیڈ آف یورولوجسٹ اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن جینا ہاسپٹل ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبوب میاں میری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم نے جناب جیسے کہا کہ ہم نے دلوں کی باتیں کر لیں، لیکن آج ہم نے فوکس کرنا ہے گردوں پر، کڈنی پر۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ کڈنی فیل ہونے کی میجر وجہ یہ پتھری وغیرہ ہی ہوتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں گردے جو نکارا ہونے یا اس کو کہہ لیں سی کے ڈی ہونے کی، جس کو ایک بیماری کا نام ہے، یا کہہ لیں گردے فیل ہونے کی عرف عام میں کہہ لیں، اس کی صرف وجہ گردوں کی پتھریاں نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی گردے کی پتھری قابل علاج مرض ہے۔ دنیا کے اندر اب ایسی ٹیکنیکس ہیں، اب ہم نے بھی جناح ہاسپٹل میں ہم شروع کر رہے ہیں کہ جس میں بغیر جسم پہ آپ کا کٹ بھی نہیں لگے گا، چیرا بھی نہیں لگے گا، سوراخ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کا اینڈوسکوپیکلی گردے کی پتھری جو وہ ریموو کر دی جائے گی۔ تو اب اتنی جدید ٹیکنیکس آ چکی ہیں کہ گردے کی پتھری کا علاج تو 100% ممکن ہے۔ اور یہ جو ٹریٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں کہ جنہیں ہاسپٹل میں آپ لوگ بھی اسٹارٹ کریں، از اٹ کاسٹلی؟ لائک نہیں، یہ آلریڈی ہمارا لیتھوٹیپسی آلریڈی اویلیبل ہے، اور یہ آر آئی آر ایس اسے کہتے ہیں۔ بالکل یہ کاسٹلی، آلموسٹ ایک پیشنٹ کے اوپر 4 lakh rupees کے قریب خرچہ آتا ہے، اور وہ ان شاء اللہ وزیر صحت خواجہ سلمان فیق صاحب اور خواجہ عمران جی صاحب نے اس کے اوپر فاسٹ ٹریک پہ کام کیا، اور ہمارے انسٹرومنٹ پرچیز کے مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ ویری سون آئی تھنک سو فرام دا نیکسٹ ویک یہ سہولت بھی لاہور کے باسیوں کو میسر ہو جائے گی کہ گردے کی پتھری کی صورت میں بغیر کٹ کے، بغیر چیرے کے، بغیر جسم پہ سوراخ کیے آپ کا جو آپریشن ہو جائے گا، اور اگلے دن مریض گھر چلا جائے گا۔ اب آ جاتی گردے فیل ہونے کی وجوہات۔ وہ صرف گردے کی پتھری نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر یقین کرے ایک سائلنٹ کلر ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور گردے اس وقت آپ کو پتہ چلا جب گردے بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری وجہ شوگر، ڈائبٹیز ہے۔ اگر مریض اپنی شوگر پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اگر اس کا بلڈ پریشر اس کے قابو میں نہیں ہے، تو یقین کریں اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی ہے، اس ریت کی مانند جو آہستہ آہستہ سرکتی سرکتی ہاتھ خالی کر دیتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو وجہ ہے گردے فیل ہونے کی وہ بلڈ پریشر ہے، اس کے بعد شوگر ہے، اور اس کے بعد کچھ موروثی بیماریاں ہیں، اور اس کے بعد
पत्थरियों का मर्ज है। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली दुनिया से हट के ये है कि जो गुर्दे की पत्थरियाँ हैं वो गुर्दा फेल होने की बड़ी वजह हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि शुगर एक बहुत बड़ी वजह है, मुझे लगता है कि फिक्र एक बहुत बड़ी वजह है। जो हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन इतनी लेते हैं, वो भी हमारी बीमारियाँ कोई ना कोई क्रिएट करती हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि डायलिसिस की जो स्टेज होती है, हमने अपने बड़े बुजुर्गों में, अपनी फैमिलीज में भी देखा है कि बड़ी ख़तरनाक स्टेज होती है, बड़ी पेनफुल स्टेज होती है, एंड मेच्योरली अगर हम बात करें बड़ी एक्सपेंसिव स्टेज भी होती है। तो डायलिसिस की नौबत ना आए, वहाँ तक ना बात पहुँचे, मैं चाहूँगा एहतियाती तदाबीर जो है वो आप ज़रूर शेयर करें, वो भी टिप्स। देखिए, जो डायलिसिस है ना वो इलाज नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से ये सबको बताना चाहता हूँ जितने नाज़रीन मेरे सुन रहे हैं। और डायलिसिस इलाज नहीं है। डायलिसिस क्या है, आप यूँ समझ लें कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको चलाने का एक छोटा सा एक धक्का है जो आप लगाते हैं ताकि ज़िंदगी की गाड़ी रुके ना। डायलिसिस में होता क्या है, आपके जिस्म के अंदर जितने भी नकारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डायलिसिस के जरिए बाहर निकाला जाता है। जबकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि गुर्दों का काम सिर्फ नकारा मादों को खारिज करना नहीं है, इसके अलावा खून बनाना है, विटामिंस बनाना है, जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और बहुत से ऐसे फेल जिस्म के अंदर है जो ज़िंदगी को एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। तो जो असल गुर्दों के फेल होने के बाद इलाज है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट डेफिनेट उसकी जो रिप्लेसमेंट थेरेपी आप कह सकते हैं। डायलिसिस तो आप कह लें कि डे टू डे बेसिस के ऊपर एक मरीज को मौत के मुंह से बचाने का नाम है। तो जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। एंड वी हैव विद अस द बेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर शबीर चौधरी साहब। आपकी टिप्स, आपकी बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहर रमजान में आने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और जनाब, शहर रमजान में आपसे बातचीत होती रहेगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सिटी 42। दिस अशरादवा इज ब्रॉट टू यू बाय اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دس ہیلتھ ٹپ از براٹ ٹو یو بائے، کیونکہ بچوں کے نشو نما پہ نہ سمجھانا۔ دہی کے فائدے، دہی میدے اور آنتوں کے نظام کو بہتر کرتی ہے، کیلشیم اور وٹامن ڈی کا خزانہ ہے، سینے کی جلن اور بھوک کی کمی کو ختم کرتی ہے، غذا کو ہضم کر کے جزو بدن بناتی ہے۔ بہت بہت مبارک، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور چلیں جی، ماشاء اللہ جی، ہمارے ججز بھی آ گئے ہیں، بچے بھی آ گئے ہیں۔ بچوں، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ محبوب میاں میری صاحب، اجازت ہے، شروع کریں ہم اپنا سیگمنٹ سکون کی آواز۔ تو جناب، سب سے پہلے فیصل جبار، بسم اللہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زین حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا۔
का मेहमान दो घरी का या मुस्तफा अतागो रोता अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफा अता हो। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सलाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मा का दर्द तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। यम्मी को जॉइंट ऑन बाय सुकून यूज करना। अम्मा इसे खाना नहीं सिर्फ लगाना है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों सुनहरी जालियों में यार गार आप से हैं। वाह वाह वाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हैं। अल्लाह जीते रहे। क्या बात है शर्जील आपकी। शर्जील की एक बात सबसे प्यारी पता है क्या है? सिर्फ हुजूर हुजूर मेरी तो सारी। शर्जील ने जो आगाज में तुमने हुजूर पाक इस्लाम का नाम लिया है ना, ये सबसे प्यारा है। हुजूर हुजूर मेरी तो सारी। आगे भूल गए हो लेकिन पहले ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो शर्जील के लिए आपने कहा कि बड़ा खूबसूरत इन्होंने आगाज़ किया, आप क्या कहेंगे? बात करनी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मजीद तो मैंने सिर्फ बताया है कि हुजूर उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आगे जाके सारा खुल गया उनका निज़ाम। आपने बहुत शर्जील अदब में पढ़ा, कैफियत में पढ़ा, और आप भूल गए कि दो से तीन अंतरे हो गए लेकिन एक ही अंतरा पढ़ना है। ये कैफियत में ये भी याद रखना है कि कहाँ क्या पढ़ रहे, और आप काफ़ी जगह पर ऊपर नीचे हुए और लफ्ज़ों को भी तोड़ा, सांस भी कम था लेकिन आवाज़ खुला इस्तेमाल करने के ख्याल में आपने सोचा कि मैं बढ़कर ऊपर बोलूँगा और फिर इमोशनल भी हुए थोड़े से, तो ये चीज़ें ज़रा कंट्रोल करनी है। मुकाबले में नात खानी महफिल में कैफियत होते अलग बात है, लेकिन मुकाबले में इन चीज़ों का ख्याल करना। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह दोनों बच्चों में दो चीज़ें सिमिलर थी, एक तो ये कि कनेक्टिविटी थी और सुपर सोज आवाज़ थी, और ये कि आवाज़ का उतार चढ़ाव इन दोनों का अच्छा था। लेकिन जो पहला बच्चा है फैसल, उसकी आवाज़ तो बहुत पुरसोज थी, बहुत अच्छी थी, और लेकिन अपने दो जगहों पे ना तलफ़ की गलती बहुत ज़्यादा, वो लफ्ज़ बिल्कुल उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी। और माशाल्लाह शर्जील ने भी बहुत अच्छा पढ़ा,
तकरीबन दोनों। आपने फैसल के लिए मदी भाई कमेंट नहीं दिए। फैसल के लिए ये कहूँगा कि फैसल ने जो नात पाक पढ़ी वो मुनाजात है। नात पाक मुकाबले के अंदर हुजूर की शान मुबारक है ना, आपने पढ़ी या मुस्तफ़ा है ना, वो इज़्ज़त हाँ हाज़री का यही है ना, वो यानी इसका मतलब है आप दुआ कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में। मगर मुकाबले में हमारा जो सुकून का सुकून की आवाज़ वो है कि नात मुबारक हुजूर की बारगाह में पेश की जाए, नात पेश की जाए, शान पेश की जाए, वस्फ पेश किए जाए। ये दोनों की ये गलती थी है। बिस्मिल्लाह, बाकी ठीक है माशाल्लाह प्यारे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो जोहा इमरान आ जाएं बेटा आप भी। मुझे खता सुभान अल्लाह मुझे खता कारसा अल्लाह इंसान मदीने में रहे। क्या बात है सुभान अल्लाह। बन सुभान अल्लाह मेहमान मदीने में रहे। वाह याद आती है मुझे अहले मदीना मुझे ले मदीना की वो जिंदा रहना हो तो इंसान والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। اے اللہ اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیو ہائی اسٹریٹ لاہور جو دے رہا ہے دی الٹیمیٹ واک اینڈ شاپ ایکسپیرینس اور شاندار کورٹ یارڈ ڈائننگ وتھ ویریئس ایٹریز، 100% capital gains or 8% rental yield ki guaranteed opportunity. For booking and details, call 111-333-333. A project of Q-Links. Brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai.
مہربان. شہر رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. جناب سکون کی آواز, اتنا سکون ملتا ہے ہمیں اس سیگمنٹ میں کیونکہ ہم اتنی خوبصورت آواز میں اتنے خوبصورت نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سنتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے زہا عمران نے نعت پیش کی تھی, میں چاہوں گا کہ ان کے لیے آپ اپنے ججمنٹل کامنٹس دے دیں. پہلے تو بیٹی ہونے کے سارے نمبر بے شک زہا آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا پھر وہی بات ہے کہ نعت کی سلیکشن کریں ہیں, جو میری سب بچوں سے گزارش ہے, آپ آئیں خوبصورت نعتیہ مضمون لے کر آئیں. تیسرا آپ کے اتار چڑھاؤ میں بہت خوبصورتی, بہت پیار. ایک جگہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ پھنس جائیں گی, مگر آپ نے اس کو خوب نبھایا اور بہت مشکل سے آپ نے اس کو نبھایا. میں چاہوں گا ایک لائن یاد آتی ہے مجھے, یہاں جب آپ واپس آئے جو پلٹا لیا وہ ایک دفعہ دوبارہ کہہ دے تاکہ وہ خوبصورتی. یاد آتی ہے واہ مجھے بات ہے, جیتے رہے خوبصورت میرے بیٹے. ویسے ہی پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, کوئی فرق نہیں آیا, بہت خوبصورت. جی آپ کیا کہیں گی زہا کے لیے؟ زہا کی آواز ماشاءاللہ بہت میٹھی ہے اور سر میں ہے, لیکن اوپر کے جب ہائی نوٹس پہ جاتی ہے نا تو دقت محسوس ہوتی ہے سننے والے کو بھی. سر میں رمضان ہے تو بچے پکوڑے وغیرہ کھاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں, تو اس چیز سے ایسے کانفیڈنس آواز میں تھوڑی سی نا تھرتھراہٹ ہے, وہ شاید آپ پریشر زیادہ لیتی ہیں. تو خیر اتنا کمپٹیشن میں چلتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے زہا. ماشاءاللہ جی. آج ہمارے ساتھ محمد شرجیل, فیصل جبار اور زہا عمران. میں چاہوں گا کہ بتائیں کہ آج سکون کی آواز کے ہمارے ونر کون ہیں جو اگلے سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کریں گے؟ وہ ہماری فرسٹ ہیں جی آج. زہا عمران, زہا کے لیے تالیاں بجائیں جی. زہا ہماری ونر ہے آج کی, زبردست. زہا بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور اگلے راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی کر گئی ہیں. اور شرجیل اور فیصل, دل چھوٹا نہیں کرنا, یہاں ہار نہیں یہاں صرف پیار ہے, جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. آپ لوگ یہاں تک بھی آئے تو آپ کو بہت مبارک ہو. تشریف رکھیں جی اپنی اپنی سیٹوں پر. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ جی. جیتے رہے بیٹا, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. اچھے بچے ہیں, پیارے بچے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے ان آوازوں کو, ان لوگوں کو جو نبی کی شان بیان کریں, تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں. اور ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری پیاری سی جو ہے مصباح آپا بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اگر میں آپ کو یہ مائک دے دوں اور آپ سے گزارش کر لوں اور مدنی بھائی کی اجازت لے لیں جی, تو آپ کی آواز میں بھی ہم سننا چاہیں. رمضان شریف میں ویسے تو اوور آل پورا سال ہی ہم مدینہ شریف جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, لیکن رمضان کی بہاریں لوٹنے کا مزہ ہی وہاں پہ کچھ اور ہے. تو دل بہت اداس ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارش پیش کرتی ہوں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو صرف دے
नजर से चूम भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजलियात से बरलूं, तजलियात से बरलूं मैं का साए दिल को, कभी जो इंतजाम हो जाए। सलाम नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सलाल, रूह अफजा, जिंदगी मुबारक। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे बेहतरीन जायके भी, मुस्कुराती खिलखिलाती इन खुशियों के संग आपकी पसंद का ख्याल भी। Simply Sufi Express, I like it। जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी, मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। कैंसर केयर अस्पताल में इन मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट आपकी वजह से है, आपकी ज़कात से, आपके एहतियात से। इतिहाद टाउन फेज 2, 2.66-5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। बुकिंग सिर्फ 20% से। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। आपका हसीन चेहरा आपकी शख्सियत की पहचान, फाइजा ब्यूटी क्रीम। तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिरा सहारा गले लगाएगा, अरे हमने खुद को गिरा दिया है वहां, गिरने वाले जहां संभलते हैं, खुद को गिरा दिया है वहां, गिरने वाले जहां संभलते हैं। शाजी शेर सुनिएगा, हाय अपनी औकात सिर्फ इतनी
कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं मेरी पूरी टीम के लिए ये शेर है बारगाह रिसालत इमाम की शान वो ही भरते हैं झोलियां सब की वो समझते हैं बोलियां सब की आओ बाजारे मुस्तफा को चले आओ आओ बाजारे मुस्तफा को चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं आओ बाजारे मुस्तफा को चले हालांकि खोटे सिक्के नहीं चलते मगर आओ बाजारे मुस्तफा को चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ठंड पे गई वाकई सुकून की आवाज़ को आपने जितना पुरसकून बना दिया ना शहजाद मदनी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे आपकी आवाज़ को आपके इस जज्बे को आपके स्पिरिट को एक खूबसूरत रूह के मालिक हैं आप जो आपकी आवाज़ में झलकता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मगर आओ बाजार मुस्तफा को चले खोटे सिक्के खोटे सिक्के ये मेरी पूरी टीम में अल्लाह करे कोई ऐसा हो सबब बने सब जाएं के आमीन आमीन सुमा आमीन जी बिल्कुल ये इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो फूट फूट के बाहर निकलता है एक दिन शहजाद भाई ने कहा था कि हासिदों को हसद नहीं करना चाहिए लेकिन आज मैं ये दुआ देती हूँ आपको कि एक पीर ने अपने मुरीद को दुआ दी कि तेरे दुनिया में बड़े हासिद हो क्योंकि तुझमें अल्लाह वो खसूसियात रखे कि हर बंदा तुझ जैसा बनने की कोशिश करे तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करीम आपके इतने हासिद हो कि हर बंदा ये ख्वाहिश करे कि वो शहजाद हनीफ मदनी जैसा बन सके जो इश्के रसूल इन्होंने स्प्रेड किया है एक प्यारे इंसान है जी और प्यारी आवाज़ है और प्यारा अंदाज है और बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाहत से पेश करते हैं ना वहीं पे खड़ा हूँ आओ बाजार वाह 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 दिल जीत अपना है ही नहीं दिल जीत उनका है दिल जीत लिया अच्छा मेरे पास इस वक्त अब कोई बात नहीं है कहने को करने को क्योंकि हमें कहीं ले गए हैं वो और हम जो खोटे सिक्के हैं हमारी क्या औकात क्या ज़ात वाह मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से ले चले मुझे ज़रा एक बार फिर से मुस्तफा को चले आओ आओ बाजारे मुस्तफा को चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं और बिलाल भाई आपकी कैफियत अब हम मदीना पाक में पहुंच गए हैं और क्या कह रहे हैं ये है बाजारे मुस्तफा यारो खोटे सिक्के यही पे चल
दरबार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़अतें खालिद, ये उजाले कभी ना सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। आओ, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं और उनसे थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक बच्चा जो है, ये बड़ा प्यारा सा बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? तैयब। तैयब, और पूरा नाम बताओ? तैयब मकसूद। तैयब मकसूद, ठीक है। और आपके साथ कौन बैठे हैं? बाबा। ये मकसूद साहब हैं जी। मकसूद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मकसूद साहब को माइक दें जी। अस्सलाम वालेकुम। सर सर सर, क्या मूछें हैं आपकी? मूछें हो तो मकसूद साहब जैसी हूँ। बस जी, सियाने कहते ना कि बंदा मोछना तो बुढ़ी गुत नाल, मूली पत्तियां नाल ते औरत बच्चे ना सोहनी लगती है। वाह 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 भाई, तालियां बजाएं जी। मकसूद साहब शायर निकले, मैं तो समझा था कि सिर्फ मूछें हैं उनके पास, तो शायरी का भी बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है। नहीं जी, शायरी करते सब कुछ। पूरी फैमिली है आपकी? जी जी जी, जो फैमिली है मेरी जी। साथ कौन है? ये वाइफ है, ये दो बेटियां हैं। अच्छा जी, जरा बेगम को भी देना जी। ये घर में भी हिम्मत होती है इस तरह करने की, ये टीवी के सामने आकर इन्होंने आज जो मूछ उठाई है? नहीं, घर में भी करते हैं। अच्छा, घर में भी करते हैं, ये ढीठ है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। भाभी आप हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और ये साथ कौन है जी? दोनों बेटियां, दोनों मेरी। बेटियों से भी बात करें जी। बेटियों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं अभी सुनाता हूँ, मैं जरा पहले सुन लूँ फिर सुनाता हूँ। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम हादिया। हादिया, और आपका क्या नाम है? सादिया। नहीं, मैंने वैसे शेर व शायरी, मैंने कहा अब्बा शायर मिजाज हैं तो इरम। हादिया सादिया हैं? इरम। इरम, वाह 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 वाह, ठीक है। तो ये हादिया सादिया क्यों नहीं रखा आपने सर? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर सही, फिर सही। अच्छा सर, आपके लिए असगर अली का गिफ्ट हैम्पर है, और बच्चियों के लिए गोल्डन पर्ल का कॉस्मेटिक का गिफ्ट हैम्पर है, और बच्चे के लिए टेस्टलैंड है। दें 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 दें, माइक दें, जल्दी से दें भाई, बेटे को माइक दें। तैयब जी, तलावत सुनाऊंगा मैं। बिस्मिल्लाह। औजु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله طيب ما شاء الله یہ مائک آگے دے دو آگے دے دو جی سر کسی اور نو بھی موقع دے دیو مائک دے دیو میں کہ ایتھے اگے ہاں ایتھے مائک دے دیو بچے جی السلام علیکم کیا حال ہیں جی اللہ کا شکر آپ کیا نام ہے آپ کا تنیشا तनीशा, और आपका क्या नाम है जी साथ? मरियम। मरियम, बहने हैं आप लोग? नहीं, पुप्पू हैं मेरी। ये पुप्पू हैं आपकी जी? लग तो आप उनकी पुप्पू रही हैं। हैं, अच्छा ये आपके पुप्पू हैं जी। और ये किसकी पुप्पू है? ये मेरी कजन है। अच्छा, कजन है। इनका क्या नाम है? आयत। आयत, बात करेंगी आप? आयत ने रोजा नहीं रखा? आयत, आयत ने रोजा रखा है? नहीं। क्यों नहीं रखा? नहीं। टेस्टलैंड वालों का गिफ्ट हैम्पर जो है वो आयत के लिए। आयत कुछ सुनाएगी नहीं, कोई तैयारी करके नहीं आई? नहीं। आप कुछ तैयारी करके आई? कुछ सुनाए? वेरी गुड, तो गोल्डन पर्ल का गिफ्ट हैम्पर फिर आपके लिए भी है। वेरी गुड, और मरहबा का गिफ्ट हैम्पर पुप्पो के लिए भी दे दें। पुप्पो होना बड़ा मुश्किल काम है, और पुप्पो जो होती हैं वो हर बात में पुप्पो पर जो सवाल करती हैं। लेकिन जनाब चलें, खुश रहें, हंसते बसते रहें, और बड़ी प्यारी प्यारी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं। और जनाब हमारी फैमिली के जो सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात हैं, हमारी फैमिली के जो बड़े हैं, जिनका अदब हम दिलो जान से करते हैं, और इनके दम से शहर रमज़ान की रौनक है, हमारे उलमाए दीन जनाब अलामा सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब और मुफ्ती मोहम्मद अवैस सईद साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, तबीयतें ठीक हैं, माशाल्लाह। करशी जामेश्वरी का एक एक गिफ्ट हैम्पर जो है वो आप दोनों के लिए, हमारे बड़ों के लिए। एडवांस में, एडवांस में, एडवांस में, एडवांस में। मैं वैसे तो अलामा साहब मेरे फेवरेट, पता है क्यों है? और ये मैं अवैस भाई को बता रहा हूँ कि क्यों है, क्योंकि मुझे ईदी देते हैं
करते हैं। अवैध भाई आपने भी देनी है इस मत ईदी। जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ों की यही तो रौनक है कि हम बड़ों से ईदी मांग सकते हैं, तो बड़ों का घरों में होना बड़ी रहमत है, बड़ी बरकत है, और अल्लाह पाक उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। तो जनाब आज का हमारा मौजू है इस्लाम और साइंस। जी इस्लाम और साइंस। अवैध भाई क्या बयान फरमाएंगे इस्लाम और साइंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद। बिलाल भाई आज का जो मौजू है उसमें बिलखसूस हमारी जो यंग जनरेशन है उनको इस हवाले से ज़रूर आगाही होनी चाहिए कि साइंस और इस्लाम इसमें कोई तज़ाद नहीं है, बल्कि इस्लाम अल्लाह सुबहान व ताला ने हमें एक ऐसा जामे और आलमगीर मज़हब दिया है जो ज़िंदगी की और दीन की और दुनिया के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह सुबहान व ताला ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इसके अंदर तुम्हारे लिए हर तरह का इलम रखा है, कुरान मजीद के आयात का मफहूम। और साइंस क्या है? चीज़ों की तहकीकात, उसमें गौर व फ़िक्र करना। और अल्लाह सुबहान व ताला 1400 साल पहले कुरान में जो है ना हर इंसान को ये जो है ना तालीम दे रहे हैं कि भाई अवल में तफक्करू फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम गौर नहीं करते अल्लाह सुबहान व ताला ने जो ज़मीन और आसमान को जो पैदा किया उसकी तख्लीक में। और अल्लाह सुबहान व ताला ये जो मफहूम है कि ज़मीन में गौर करना, आसमान में गौर करना, कायनात में गौर करना, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में गौर करना, मादियात में गौर करना, अशिया में गौर करना, ये अल्लाह सुबहान व ताला बार बार कुरान में वक्तन फ़वक्तन हमें इसका हुक्म देते हैं गौर करो। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल सीरू फिल अर्ज़, कि तुम ज़मीन में सैर करो, ज़मीन में चलो। ये क्या है? चीज़ों के अंदर गौर करना, उनकी हकीकत को पहचानना, उनकी मादियत को पहचानना, और फिर उनके मकसद को पहचान कर उनके खालिक तक पहुंचना है जी। ये साइंस को अगर हम साथ साथ लेकर चले मज़हब के, इस्लाम के, तो बहुत सारी ग्रहें जो लोगों को अब खुल रही हैं, समझ में आ रही हैं, और या नहीं आ रही समझ में, वो भी समझ में आ जाएंगी। मसलन इसकी चंद मिसालें मैं देता हूँ कि साइंस एक ज़माने में कहती रही ज़मीन साकिन है, हरकत नहीं करती, लेकिन अब जदीद जो साइंस है वो ये कहती है ज़मीन भी हरकत कर रही है। जबकि 1400 साल पहले अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, जो कुछ भी है आसमान में वो तैर रहा है, हरकत कर रहा है, चल रहा है जी। और आज की साइंस यही बात कहती है सूरज भी गर्दिश में है, ज़मीन भी गर्दिश में है, सितारे भी गर्दिश में हैं, चांद भी गर्दिश में है, सैारे भी गर्दिश में हैं। और 1400 साल पहले लोग इस बात को जो है वो कहते थे कि नहीं, साइंस ये नहीं कहती कि ज़मीन गर्दिश में है, लेकिन अल्लाह का कलाम ये कहता था कि ज़मीन गर्दिश में है। इसलिए अगर हम साइंस को अल्लाह सुबहान व ताला की किताब की रोशनी में अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि बिलखसूस बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान हमारे स्कूलों में अगर हम अपने बच्चों को, हमारे जो टीचर्स हैं बिलखसूस साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, मैं अगर उनको अपने साथ शामिल करूं, तो फिर आप यकीन करें कि हमारे आने वाली जो नस्ल है और आने वाली जो कौम है उसका मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। वाह, बहुत खूब फरमाया आपने। और जिस तरह अभी एक बार कोविड भी आया था रिसेंटली, और फिर ये साइंस के लिए प्रूफ हुआ कि जो वज़ू जिस तरह हम करते हैं हमारे इस्लाम में है, तो उससे कितनी बेहतरी हुई और कितनी जो है वो बीमारियों जो है उनको शिफा मिली। बड़ी खूबसूरत जनाब आज की महफिल, और मौजू भी बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है। इस पे जारी और सारी रखेंगे अपनी गुफ्तगू को, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सिटी 42। आपका हसीन चेहरा आपकी शख्सियत की पहचान, फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punia Brothers. सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के साथ जिंदगी भर। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे बेहतरीन जायके भी, मुस्कुराती खिलखिलाती इन खुशियों के संग आपकी पसंद का ख्याल भी। Simply Sufi Express, I like it. I have the finest inverter that helps me create my own world.
Introducing the Higher Inverter Series with full BTUs for powerful cooling. Built-in UV protection and anti-corrosion coating for long life. Higher Inverter Series, the finest AC. Higher. नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सलाल, रूह अफ़ज़ा, ज़िंदगी मुबारक। कैंसर केयर अस्पताल में इन मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट आपकी वजह से है, आपकी ज़कात से, आपके एहतियात से। कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर। I hope you will be home early tonight. Love. I'm going to have to call you back. Hello? 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 Aao bas jaye, bas jaye wahan. Lake City. Live the luxury. Hello. कहाँ रह गए थे? I've been trying to call you all day. तुम कहती थी ना हमें अपना नया घर बनाना है. हाँ. Well, I found a new home. Really? Where? Of course, Lake City. Wow, can't believe it. We have to come here. The kids are going to love it. To batao na aao bas jaye wahan jahan muskuraye zindagi. Sirf tujhse nahi balki aasani ka tujhse plus minute bhi. तमाम दवाएं बच्चों से दूर रखें। खुराक लेवल पर दी गई हिदायतों के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुझू करें। मेंथोल आइस, लेमन एंड विटामिन सी, एलोवेरा, फाइजा फेस वॉश से लो, पूरे एतमाद लो। इतिहाद टाउन फेज टू आसान एक साथ मुहित पेमेंट प्लान के साथ 3 से 20 मरला के रिहायशी प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट सिर्फ 35,000 रुपए से। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। तेज सनसनाती हवाओं
आसमान और जमीन के दरमियान हम जाते हैं क्यों? रातों के इस जंगल में आगे से आगे बढ़ते हुए हम रत जगह निभाते हैं क्यों? लोहे के सर्द जिस्म को अपने रोशन जज्बों के साथ आखिर हम पिघलाते हैं क्यों? सिर्फ अपनों के लिए, अपने प्यारों को रिमिटेंस की रकम बआसानी और तेजी से भेजने का मौका। दुनिया भर में काबिले एतमाद पार्टनर्स और वसी तरीन नेटवर्क से पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में रिमिटेंस भेजने की सहूलत, 24 घंटे तजुर्बाकार कस्टमर सपोर्ट के साथ। बीओपी का वादा, खुशियां कई गुना ज्यादा। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी जकात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एंड बिगर हायर ट्विन इन्वर्टर प्लस, फीचरिंग ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ट्विन टर्बो फैंस, ASPE sterilization, an HCS freshness technology, digital control system with 4 sensors, real freshness leader, higher. दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अलखिदमत निभा रहा है हजारों यतीम बच्चों की जिम्मेदारियां, आप भी जकात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। Aquafina, जो कि वर्ल्ड क्लास हाइड्रो 7 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। Aquafina, purity guaranteed. This call early is brought to you by और सेव कर सके अप टू 50% एनर्जी क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखल तमाम बुरे अयूब का मजमूआ है और ऐसी मुहार है जिससे हर बुराई की तरफ खींच कर जाया जा सकता है। हदीसे नबवी इज ब्रॉट टू यू बाय टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेन के पैसे दो, टोकन के नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक का 7वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है, बहुत से लोग अभी भी काम पर होंगे मेरी तरह और कुछ लोग यकीनन घर आ गए होंगे। तो जनाब, आज का मौजू जो है हमारा बड़ा दिलचस्प है, इस्लाम और साइंस, और इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए उलमाए दीन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अलामा सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अवैस सईद साहब, एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहेंगे। अलामा साहब, मैं चाहूँगा आप बयान फरमाएं इस्लाम और साइंस पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिरजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिन्नस्सयुखनस्मईन। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम हमेशा फितरत को परवान चढ़ाता है और फितरत के ऐन गुफ्तगू करता है और फितरत के ऐन असूल वज़ करता है और इस्लाम माशरे के हुस्न के लिए कवानीन को वज़ करता है। किसी मंजिल पर इस्लाम ने साइंस की मुखालफत नहीं की और किसी मंजिल पर ये वाहिद दीन इस्लाम है कि जो कहीं भी किसी इंसानी ज़रूरत की मुखालफत करता हो दिखाई नहीं देता। साइंस चूँकि फ़कत इल्म नहीं है बल्कि ख़ुद इल्म है, साइंस का मानी भी जो है जिस तरह अल्फाज से माखूज हुआ तो उसका जो माखज़ है, जो मंबा या मस्दर है या मुश्तक है, उसका माना जो बनता है वो इल्म ही बनता है। इल्म का हसूल, इल्म का यानी पोशीदा चीज़ों की खोज लगाते हुए उसके इसरार को, रमूज को समझते हुए उसकी इंतहा तक पहुँचना, उसकी माहियत को जाँचना, परखना, उसकी हकीकत को जान लेना। इस्लाम साइंस को इस तरह से कबूल करता है कि बशरियत की इब्तदा ही इंसान इस्लाम साइंस करार देता है कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को भी असमा सिखाता है और फरिश्तों को भी असमा सिखाता है। इल्म उनके पास आ गया, अब इस इल्म की महियत को, इसकी खोज को पहुंचाना है, क्या इन असमा को, इल्मुल असमा को, यानी इन असमा को इन मुसम्मियात पे मुंतबिक करना है। जब हज़रत आदम फरिश्तों के सामने पेश होता है तो वो कहते हैं, परवरदिगार जो तूने हमें अता कर दिया है हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, यानी हम साइंस की खोज नहीं लगा सकते, हम बस वो जो ज़ाहिर है उस तक रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब मैदान में उतारा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हकीकत तक पहुँचे और फिर उन मुसम्मियात पर उन असमा को तत्बीक किया। यानी इस्लाम इब्तदाई बशरियत से ही साइंस का हमायत करता है। देखिए ना कि ख़ुद ये जो आज साइंस मौजूद है, अगर इसकी बुनियाद देखें
तो हर सिंफ में जिस सिमत में भी ये साइंस बढ़ती हुई चली जाती है, चाहे वो एटम तक जाती है, वो नजूम आसमानों तक अफलाक तक जाती है, जिसके लिए खुद खुदा कुरान में कहता है सानुरीहिम आयातुना फिल आफाक, हम उनको आसमानों में अपनी निशानियाँ दिखाएंगे। तो अब ज़ाहिरन ज़मीन पर खड़े बंदा आसमानों में क्या देखेगा, लेकिन यानी इंसान को वो मराहिल साइंस के मराहिल इस्लाम कुरान में दिखा रहा है। आप देखते हैं कि जाबर बिन अब्दुल्ला, जाबर बिन हयान रिजवानुल्लाह ताला अलैह को देखें, जनाब इब्न हिशम को देखें, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारज़्मी को देखें, ये जितने भी इब्न सीना को देख लें, बू अली सीना को देख लें, जितने भी ये साइंसदान गुजरे हैं, जितने भी आज साइंस है, ये सब इनके मरहूने मिन्नत है। चाहे वो हज़रत इमाम जावेद सादिक रसूलुल्लाह के माजर में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के साथ बैठ के पढ़ने वाला जाबर बिन हयान हो, या इमाम मूसा काज़म के माजर में परवान चढ़ने वाला मोहम्मद बिन मूसा ख्वारज़्मी हो, ये सारे वो अफराद हैं कि जिन्होंने दरिया अहले बैत से इल्म को लिया है और इस्लाम के कुरान से इल्म को अखज़ करके उसकी हकीकत तक पहुँचने की कोशिश की है। मतलब जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, जाबर बिन हयान, माफ़ कीजिए बार बार जनाब अब्दुल्ला अंसारी का आ रहा है, जाबर बिन हयान रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो है, वो आप देखें कि उस ज़माने में एक ऐसा कागज़ दरियाफ्त ईजाद करते हैं कि जिसके ऊपर ना बारिश पानी कोई असरअंदाज हो सकता है, ना उसके ऊपर आग असरअंदाज होती है, यानी वो वाटर प्रूफ भी होता है और फायर प्रूफ भी होता है। ऐसा कागज़ उस ज़माने में वो ईजाद करते हैं, वो गंदक का बाकायदा कीमिया का जो है बुनियाद रखते हैं, गंदक का, तेज़ाब का, नमक का बाकायदा उसमें से वो जौहर निकालते हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो साइंस की इब्तिदा नज़र आती हैं। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि इल्मे अब्दान है, इल्मे अब्दान में भी आपको यही नज़र आता है कि वहाँ पे भी आपको मुसलमान साइंसदान नज़र आएंगे कि जिन्होंने बुनियाद रखी, जिन्होंने इस्लाम के फ़लसफ़े को इतना अरूज दिया कुरान और हदीस की रोशनी में कि वो जो अफलातून का फ़लसफ़ा था या यूनानियों का जो फ़लसफ़ा था वो पीछे रह गया और इस्लाम जो है वो आगे बढ़ गया। आज भी ज़रूरत है कि अगर हम उसी तरह से अपने मदारस को इतना जामे कर दें कि वो कुरान की हकीकत को जब समझेंगे तो फिर इस आफाक की हकीकत को समझने लगेंगे और ये साइंस कोई मुश्किल नहीं होगी। इस पर मज़ीद बात हो सकती है कि अमीरुल मोमिनीन ने मोबाइल के बारे में अपने ज़माने में बता दिया था, इस ज़माने के हालात के बारे में बता दिया था, इंसान के हवा में सफ़र के बारे में बता दिया था, और जो सबसे पहली घड़ी थी वो हारून रशीद ने अपने ज़माने में ये अजम को भिजवाई थी, और इस तरह की बहुत सी इजादात हैं। मसलन सिक्का टकसाल जो है ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में बनाया था। बरहाल साइंस के हवाले से इस्लाम की बहुत रोशन चेहरा है। आपने बहुत खूब फरमाया, और मज़ीद हम जनाब इस्लाम और साइंस पर आज बात करेंगे, हमारे इल्म में इजाफा होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, देखते रहिए सिर्फ 42। हमारे बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। नेस्ले नैनग्रो की यूनिक फॉर्मुलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे। एक्वाफिना, जो कि वर्ल्ड क्लास हाइड्रो 7 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। एक्वाफिना, प्योरिटी गारंटीड। आई हैव the finest inverter that helps me create my own world. Introducing the Higher Inverter Series with full BTUs for powerful cooling, built-in UV protection and anti-corrosion coating for long life. Higher Inverter Series, the finest AC. Higher. क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए, आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुबत को दीजिए ताकि इल्म की ये शम्मा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अखुबत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद। यूनिस मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 33 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, yunismobile.com, सिंबल ऑफ ट्रस्ट। कैंसर केयर अस्पताल में इन मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट आपकी वजह से है, आपकी ज़कात से, आपके एहतियात से। कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर, इतिहाद टाउन फेज 2, आसान इकसाते मुहित पेमेंट प्लान के साथ 3 से 20 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, इंस्टॉलमेंट सिर्फ 35,000 रुपए से। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। आसानी का जलशादा प्लस मलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकी, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जलशादा प्लस मलाठी।
थैलेसीमिया खून की खतरनाक बीमारी है। थैलेसीमिया के मरीजों को रियाज मंसूर ट्रस्ट में हर सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। जिंदगी के लिए तरसते इन बच्चों की सांस से आपकी मदद की बात आज है। इनके मुफ्त इलाज के लिए अपनी जकात और अतिया रियाज मंसूर ट्रस्ट को दें। इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू सब्रोसो क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स। टेस्ट सो गुड दैट नथिंग एल्स मैटर्स। सब्रोसो क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, सो क्रिस्पी, सो टेंडर। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, ज़िंदगी मुबारक। दिस फरमाने इलाही इज ब्रॉट टू यू बाय रमजान का असल एहसास, कर्शी जामे शीरी, रौनक रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कर देगा, देगा जहां से उसको वहम गुमान भी न हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। दिस क्विक रेसिपी इज ब्रॉट टू यू बाय। व्हाइट चिकन कड़ाही, अच्छा गोल्डन कुकिंग ऑयल, बोनलेस चिकन, दही, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हसबे जायका नमक और काली मिर्च। तरकीब, एक पैन में गोल्डन कुकिंग ऑयल गर्म कर लें, इसमें प्याज, अदरक और लहसुन की पेस्ट डालें और सुनहरा होने तक पकाएं। अब इस पैन में चिकन, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दें। दही में धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लें। अब पैन में दही का मिक्सचर डालें और चिकन के पकने तक इसे पकाएं। मजेदार व्हाइट चिकन कड़ाही तैयार है। शुक्र कैसे अदा।
Introducing the new and bigger Higher Twin Inverter Plus. Featuring twin inverter technology, twin turbofans, ASPE sterilization, and HCS freshness technology, digital control system with four sensors, real freshness leader, Higher. नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सलाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक. Eunice Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 33 years of trust. EuniceMobile.com, symbol of trust. कैंसर केयर अस्पताल में इन मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट आपकी वजह से है, आपकी ज़कात से, आपके एहतियात से. कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर, इतिहाद टाउन फेज 2, 2.66 से 5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं. बुकिंग सिर्फ 20% से. मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें. स्टेप प्रेप इवनिंग कोचिंग के साथ 4 साल तक मुफ्त तालीम हासिल करना चाहते हैं, अभी विज स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करें और 1500 टॉप स्कोरर्स में शामिल हों. 9th क्लास के लिए 4 साल के मुफ्त तालीम, 10th के लिए 3 साल, 1st ईयर के लिए 2 साल. रजिस्टर नाउ एंड स्टार्ट योर लेगेसी टू सक्सेस विद स्टेप प्रेप. अपने ज़कात, अतियात, दिल खोल कर हमें दे ताकि हम नाउमीद लोगों की जिंदगियों में मुस्कुराहटें बांट सके. इतिहाद टाउन फेज 2, 2.66 से 5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं. इंस्टॉलमेंट सिर्फ 35,000 रुपए से. मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें. सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है. इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की. सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का. यूनिस मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल. 33 इयर्स ऑफ ट्रस्ट. unismobile.com, सिंबल ऑफ ट्रस्ट. इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे बेहतरीन जायके भी. मुस्कुराती, खिलखिलाती इन खुशियों के संग आपकी पसंद का ख्याल भी. Simply Sufi Express. I like it. This namaz timing is brought to you by from Nestle. This Ashra Dua is brought to you by اللہ. مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. شہر رمضان میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک کا ساتواں روز آپ کو مبارک ہو. اور جناب, یہ ایک نمبر ہے شہر رمضان کے لیے, آپ یاد کر لیں, 031724240045. یہ وہ نمبر ہے جس سے ہمارے
दिल का रابता भी होता है और हमारा फ़ोन पे भी रابطہ हो जाएगा। आप शहर रमज़ान का हिस्सा बन सकते हैं, हमें ज़रूर कॉल करें। और जनाब इस वक्त हमारे उलमाए दीन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अलामा सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अवैस सईद साहब, एक बार आप दोनों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज का हमारा मौजू है इस्लाम और साइंस। तो अवैस भाई बड़ा अच्छा आप दोनों ने बयान फरमाया इस्लाम और साइंस के हवाले से, और हम न्यू जनरेशन को भी ब्रेक पर हम बात कर रहे थे कुछ मोबाइल के हवाले से भी कि ये सारी जो प्रेडिक्शंस थी ये भी बहुत पहले इस्लाम में वाज़ेह तौर पे बता दी गई थी। ज़रूरी बात जो है ना मेरे जहन में आ रही है कि हमारा पैगाम लोगों तक जाए बिलाल भाई, कि ये आज हम ना हमारे बच्चे नौजवान या जनरेशन यंग ख़ास तौर पे वो ये समझते हैं कि ये साइंस एक दुनियावी तालीम है और एक जो कुरान की तालीम या हदीस की तालीम एक दीनी तालीम है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारी कौम में। मैं एक बात से बात जो है ना समझाना चाहता हूँ कि उलमाए कराम ने शरीयत का एक फतवा लिखा है, वो फतवा ये लिखा है हमारी मुस्तनद बड़ी मशहूर शोराए आफाक किताब फतवे की, जिससे तकरीबन तमाम मुफ्ती हजरात फतवा देते हैं जी, उसका नाम है फतावा शामी, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह की वो एक बड़ी ज़खीम बड़ी किताब है। उसने शुरू में उन्होंने लिखा है कि दुनिया का हर वो फ़न, हर वो इलम, वो फ़न इंसानों को दुनिया में रहने के लिए माशरे में जिसकी ज़रूरत पड़ती हो उसका सीखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। और फिर उन्होंने बाकायदा लिखा सियासत हो जो है, मेडिकल हो, साइंस हो, जुग्राफिया हो, तिब हो, सारे उन्होंने फ़ुरून ज़िक्र किए, रियाजी हो, हिसाब हो, सारा कुछ उन्होंने लिखा कि इनको सीखना शरीयत की रोशनी में मुसलमानों पर कौम पर इतना फ़र्ज़ है जिस तरह कुरान और हदीस के इलम को सीखना फ़र्ज़ है। जब शरीयत हमें यह कहती है कि भाई आप साइंस को भी सीखो, जोग्राफिया को भी सीखो, इंजीनियरिंग भी सीखो, बेहतरीन डॉक्टर्स हों, बेहतरीन इंजीनियर्स हों, मुसलमान कौम अगर नहीं सीखेगी किसी भी फ़न में, अगर मुसलमान कौम पीछे रह जाएंगे वो गुनहगार होंगे, बल्कि वो पूरी कौम पूरी उम्मत गुनहगार होगी। तो हम फिर ये कैसे सोच लेते हैं कि भाई ये दीनी इलम है, ये दुनियावी इलम, भाई इन उलूम को सीखना तो फ़र्ज़ करार दे रही है शरीयत, हम इसको दुनियावी इलम कैसे कह लेते हैं। और हम बातचीत में भी कहते हैं कि जी साइंटिफिकली क्या कहा जाता है और फिर रिलीजियसली क्या कहा जा सकता है, उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। और अभी ब्रेक पे जैसे हम बात कर रहे थे अलामा साहब, आपने मुझे बताया था, मैं चाहूँगा कि पूरे नाज़रीन को भी बताएँ कि मोबाइल के हवाले से भी बहुत पहले ये जो निशानदेही कर दी गई थी, तो मैं चाहूँगा उस बात पर भी ज़रा वजाहत कीजिए। लेकिन मोबाइल के हवाले से भी बात करना चाहूँगा और उसके बाद देखें इस्लाम ख़ुद कुरान चूँकि मुंबई इस्लाम है, कुरान कहता है कि रोज़े माशर जब होगा तुम तौहीद की माजर में हाज़िर होगे तो मिस कला ज़र्रतन खैर ही यरा हो, कि जो तुमने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी ना वो तुम अपनी आँखों से देख लोगे, यानी वो एक मुजस्सम अमल वजूद की सूरत में मौजूद होगी। और यानी इस्लाम ने ये 1400 साल पहले बात की कि इंसान अगर ज़बान से बात करता है तो उसकी बात भी एक वजूद रखती है, ये कानों से टकराने के बाद हवा में ज़रे बन के तहलील हो जाती है, और आज साइंस बताती है कि आवाज़ तहलील हो जाती है और फ़ाओं में फ़ा में ये आवाज़ आज भी मौजूद है। अब साइंस इसके दर पे है कि ऐसा आला दरियाफ्त हो कि वो आवाज़ों के हजूम से एक आवाज़ को फ्रिक्वेंसी सेट करके उन आवाज़ों को एक जगह मुजतम कर लिया जाए और फिर आवाज़ जो है उसको जम कर लिया जाए। तो यानी कि किसी जिसम के वजू अमल के जिसम पा जाने को इस्लाम ने 1400 साल पहले बयान किया था और साइंस आज उसकी खोज लगा रही है। साइंस ने इस्लाम के तमाम अमाल का खोज लगाया, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो वज़ू, जिस तरह आपने पहले इरशाद फरमाया, जिस तरह के वो वज़ू हो, ख़ुद कुरान मजीद की तलावत, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइंस इन चीज़ों को इंसान की बेनिफिट के लिए, यानी इसका सारे का बेनिफिशरी अल्लाह नहीं है, रसूल खुदा नहीं है, वो उसके रावियान नहीं है, बल्कि इसके बेनिफिशरी अगर कोई है तो वो वजूद है कि जो इससे इस्तफादा करेगा। आज ये साइंस खोज लगा रही है कि वज़ू का क्या फ़ायदा है, नमाज क्या फ़ायदा है, अगरचे हम उन फ़ायदों के लिए ना वज़ू करते हैं, ना उन फ़ायदों के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, ना उन फ़ायदों के लिए कुरान पढ़ते हैं, ना उन फ़ायदों के लिए, हम तो फ़क्र इसलिए करते हैं कि हमें हुक्म दिया गया है कि आपने ये करना है। हम स्मार्ट होने के लिए रोज़ा नहीं रखते, बल्कि हम इताअत रब्बुल जलाल में रोज़ा रखते हैं कि हमें हुक्म दिया गया है कि रोज़ा रखना है, मगर उसका क्या फ़ायदा है वो आज साइंस बताती है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मंसूब कलाम है कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग फरसखों मीलों दूर बैठे हुए शख्स से अपने हाथ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और आज इंसान वो अपने आप के हाथ के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया था कि मुझे ऐसे इल्म तालीम किया गया है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं रोशन दिनों से तुम्हारी रातों को, तारीख रातों को रोशन कर दूँ,
और आज वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके उससे इस्तेफादा किया जा रहा है। यानी ये वो बातें हैं कि जो उस ज़माने में की गई हैं, मगर उस ज़माने में समझने के लिए अकल इंसान इतनी पुख्ता ना थी और इतनी अरूज पे ना थी, मगर आज इंसान की अकल इन चीज़ों को दर कर रही है कि और देखें कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक दुआ अपना एक किताब है जिसको ज़बूर आल मोहम्मद कहा जाता है, सहीफ़ सजादिया। सहीफ़ सजादिया में इमाम सल्लल्लाहु की दुआ है कि जिसमें वो अल्लाह तबारक ताला की तौसीफ बयान करते हुए फरमाते हैं कि पाक है वो ज़ात कि जो रोशनी के वजन को भी जानती है, अंधेरे के वजन को भी जानती है। और आज साइंसदान अंधेरे के वजन का पैमाना, रोशनी के वजन का पैमाना बना चुके हैं, और जिसकी इब्तदा भी मुसलमान साइंसदानों ने की थी, और अंधेरे का पैमाना बनाने के लिए वो तगुदों में मसरूफ़ हैं। इस तरह इमाम सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि हमद उस ज़ात की कि तस्बीह है उस परवरदिगार की, वो सुबहान है पाक है कि जो पानी की तहों में मछलियों को हवा अता करता है। तो आज मतलब उसकी खोज में हवा जब साइंस पहुंची है तो बताया गया कि किस तरह से वहाँ भी ऑक्सीजन पहुंचती है, ऐसे परिंदे वहाँ पे अपना पौधे मौजूद हैं कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऐसी मछलियाँ मौजूद हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि जो अगर सफ़र करें तो उनको कई हफ्ते गुजर जाए ऊपर आते हुए, और इतना वो अपने अंदर ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने तमाम किया है कि हवा के थपेड़ों या बड़ी मछलियों के ज़रिए से वहाँ तक हवा पहुँचाई जाती है। यानी इस्लाम साइंस से जुदा नहीं है और साइंस इस्लाम से जुदा नहीं, साइंस इल्म है, और इस्लाम इल्म के हसूल का यूँ हुक्म देता है अतलबुल इल्म मिनल महद इला लहद, इल्म हासिल करो पंगूड़े से लेके कब्र तक। बहुत खूब फरमाया अलामा साहब ने भी और मुफ्ती साहब ने भी। गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सिर्फ 42। दिस नमाज टाइमिंग इज ब्रॉट टू यू बाय From Nestle. I hope you will be home early tonight. Love? I'm gonna have to call you back. Hello? 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 बस जाए वहाँ जहाँ मुस्कुराए जिंदगी, जहाँ आसमां करे बातें पानियों से, जहाँ हवाओं में है सेरेनिटी। रीडिस्कवर हैप्पीनेस।
Lake City. Live the luxury. Hello. कहाँ रह गए थे? I've been trying to call you all day. तुम कहती थी ना हमें अपना नया घर बनाना है. हाँ. Well, I found a new home. Really? Where? Of course, Lake City. Wow! Can't believe it. We have to come here. The kids are gonna love it. तो बताओ ना. आओ बस जाएं वहाँ. जहां मुस्कुराए जिंदगी. कुदरती अच्छा से बना शरबते मसरत अफ्तार में ताजगी और तवानाई के लिए शरबते मसरत अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ सूफी ग्रुप. यूनिक जूनियर स्कूल देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबी. हम बढ़ेंगे आगे क्योंकि हम हैं यूनिक. एडमिशंस ओपन. विगुरिन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए. विगुरिन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओं का पहला इंतखाब. अ प्रोडक्ट बाय बीएमए फार्मा. सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है. इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की. सुंदस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता खून का. इत्तेहाद टाउन फेज 2 2.66 से 5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं. इंस्टॉलमेंट सिर्फ 35,000 रुपए से. मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें. Menthol ice, lemon and vitamin C, aloe vera. Faiza face wash se lo, pure aitmaad lo. In halaat mein kaise hogi shaadi? Is dafa hum Eid Miladun Nabi kahan karenge? Mamma, kya is saal meri birthday nahi aayegi? चाहे जैसे भी हो हालात कोरमे केटरिंग आपके साथ. कोरमे केटरिंग कंपनी लम्हे जो कभी न भूले. यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन. ओबान होटल इफ्तार कम डिनर बुफे. ओबान होटल पेश करते हैं रमजान अल मुबारक के बाबरकत मौका पर शानदार इफ्तार कम डिनर. तो तशरीफ लाइए लाहौर के खूबसूरत तरीन रूफटॉप रेस्टोरेंट पर और रमजान की बरकतों और नेमतों से भरपूर लुत्फ उठाएं. जहां आपको मिले खानों के मुख्तलिफ और लजीज वैरायटी. अभी राब्ता करें UAN 111 11 6226. सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं. Permanent magnet motor से 50% बिजली बचेगी. बदले हवा के रंग,
रॉयल फैंस के साथ जिंदगी भर का कुदरती अच्छा से बना शरबते मसरत अफ्तार में ताजगी और तवानाई के लिए शरबते मसरत अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ सूफी ग्रुप। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज थिएटर्स सिनेमास आर्ट गैलरीज थीम पार्क्स अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी और वो भी घूम घुमा कर नहीं मेन जीटी रोड पर और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड बस 3, 5, 10 मरला और एक किनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ तो अपना फोन निकालें और डायल करें 111-333-987 लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी हैप्पीनेस लिव्स हियर City clock is brought to you by अपना फोन निकालें और डायल करें 111-333-987 लॉर्ड एंटरटेनमेंट सिटी हैप्पीनेस लिव्स हियर सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ मैं हूं अमरीन शहबाज शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन This headline news is brought to you by इत्तेहाद टाउन फेज 2 बड़े ख्वाब की छोटी सी किस्त मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें पंजाब का माली साल 2023-24 का 4,480 अरब का बजट पेश तरक्याती कामों के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस सेहत 473 अरब तालीम के लिए 596 अरब मुख्तस किए गए मुफ्त किताबों के फराहमी के लिए 11 अरब रखे गए हैं तामीरात के लिए 382 अरब रमजान पैकेज के लिए 30 अरब का बजट मंजूर किया गया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए 12.5 अरब PKLI इंडोवमेंट फंड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया पंजाब असेंबली का बजट इजलास अपोजिशन का शोर शराबा सूबाई वजीर ख्वाजा मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान नारेबाजी बजट की कॉपियां फाड़ कर हवा में लहरा दी हुकूमती बेंचों से भी जवाबी नारेबाजी पंजाब का सबसे बड़ा ऐवान मछली मंडी बन गया इजलास 21 मार्च तक मुलतवी हेडलाइंस आपने जानी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही मस्जिद अल्लाह का ये घर जमीन पर मोमिनों की जन्नत सर्वर फाउंडेशन की अपना कोशिश है कि हय्याल अल फला की सदा बुलंद होती रहे इस कार्य खैर में अतियात दीजिए जन्नत में अपना घर बनाए हमारे बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं नेस्ले नैनग्रो की यूनिक फॉर्मुलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे मालूमात इस्लाम की तबलीग व इशाअत मौजूदा और आइंदा नस्लों तक पैगाम इलाही अहदीस व सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रोशनी पहुंचाना सर्वर फाउंडेशन के इस्लामिक सेंटर में अतिया दीजिए आकबत संवारिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और अतियात की सुंदस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता खून का एक्वाफीना जो कि वर्ल्ड क्लास हाइड्रो 7 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है Aquafina, purity guaranteed. इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की सुंदस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता खून का क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए आप भी ज़कात और एहतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की सुंदस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता खून का नेमतों में बरकतों का कमाल ये सुनहरा सलाल रूह अफजा जिंदगी मुबारक इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की सुंदस फाउंडेशन जिंदगी से रिश्ता खून का यूनिस मोबाइल होलसेल डीलर ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल 33 इयर्स ऑफ ट्रस्ट unismobile.com सिंबल ऑफ ट्रस्ट आपकी ज़कात और अतियात का एहसान बनाए लाखों कीमती जिंदगियां आसान चौधरी रहमत अली ट्रस्ट अस्पताल लाहौर ज़कात और अतियात के लिए राब्ता करें 0309-333-0125 अपनी मेहमान नवाजी से हम पलट रहे हैं पाकिस्तान का खेल तुम भी फोन उठाओ और जहां PSL वहां HPL
हर खाना और हर मोमेंट बने स्पेशल विद द कलर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। खाना तो बहाना है। कर्शी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। कर्शी जामे शीरी रौनक रमजान। फाउंटेन हाउस को आपके तावन की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ज़हनी तौर पर बीमार और पसमानदा लोगों को एक आसान और बेहतर जिंदगी फराहम कर सके। इस साल अपनी ज़कात और अतियात फाउंटेन हाउस को दीजिए। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे बेहतरीन जायके भी। मुस्कुराती खिलखिलाती इन खुशियों के संग आपकी पसंद का ख्याल भी। सिंपली सूफी एक्सप्रेस, आई लाइक इट। अपनी ज़कात अतियात दिल खोल कर हमें दे ताकि हम नाउमीद लोगों की जिंदगियों में मुस्कुराहटें बांट सकें। शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक का सातवां रोज़ा आपको मुबारक और इफ्तार का वक्त बहुत करीब है। हम सब बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन जो थोड़े से गरीब हैं लेकिन हमारे हबीब हैं, उनसे हम रकीब हैं, उनके हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए उनका हिस्सा जो है उनको पहुँचाएँ और अपने दस्तरखानों में उनको भी शामिल करें। जिस तरह के हम शहर रमज़ान में जब हमारी दुआ फरमाते हैं हमारे अलामा साहब मुफ्ती साहब, तो उसमें भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जहाँ जहाँ भी सिटी 42 की ये लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, हम सब मिलकर दुआ करें। अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमाए। और वैसे भी रोज़ेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, और फिर वो कहते हैं ना कि किसी की भी दुआ कबूल हो जाए, कबूलियत की कोई घड़ी होती है। तो मैं गुजारिश करूँगा अलामा साहब आपसे कि दुआ शुरू फरमाएँ और हम सब आपके साथ दुआ में शिरकत करें। وبارك على محمد وعلى محمد كما صلى الله عليه وسلم تبارك وترحم على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين والائمة الهداة المهديين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم نسالك بجاه محمد وعلى محمد پروردگارا آج کے روزہ کو احسن منزل پہ قبول فرما اے کریم اللہ آج کے روز ہونے والی کوتاہیوں سے خطاؤں سے گناہوں سے صرف نظر فرما اے کریم اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما ہمارے رفقاء و احباب اعزاء و اقرباء دوستان عزیز و اقارب والدین اساتذہ کرام سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما اے کریم اللہ تیری برگاہ میں ملتجی ہیں اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اے کریم اللہ پورا دن روزے سے رات کو قیام میں رہنے کی توفیق مرحمت فرما اے کریم اللہ اپنی خاص لطف و کرم ہم سب کے شامل حال فرما اپنی رحمت خاصہ ہم سب کو عنایت فرما اے پروردگار تجھے تیری ذات کی عزت و حرمت کا واسطہ اے خالق و مالک تجھے تیرے نبی کی تیرے حبیب کی عزت و عظمت کا واسطہ غزہ کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اے کریم اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی غزہ و فلسطین کے بسنے والوں کی مدد فرما وہاں پہ رہنے والے مسیحیوں مسلمانوں کو خدایا ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اے کریم اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو گھر عطا فرما پروردگار عالم تیری برگاہ میں ملتجی ہیں جو مرضا ہیں ان کو شفا عطا فرما جن کے پیارے جہاں سے چلے گئے خدایا ان کو صبر جمیل عطا فرما اے کریم اللہ جتنے بھی ہاتھ تیری برگاہ میں سیٹ پہ موجود سکرین کے سامنے موجود پھیلے ہوئے ہیں خدا سب کی دلی دعاؤں کو قبول فرما سب کی دلی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلیں آسان فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی پروردگار عالم ہر قسم کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما پروردگارہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں قرار فرما ہم سب کو ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما ہر قسم کے منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما ہر قسم کے اشرار کے شر سے محفوظ فرما ہر قسم کا جادو ٹونا کرنے والے پھونکے مارنے والوں کے شر سے اپنی پناہ میں قرار فرما اے کریم اللہ جتنے بھی مریض ہاسپٹلز میں گھروں میں جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما بالخصوص ہمارے کچن میں عزیزم علی کی والدہ بیمار ہیں خدا ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما ہمارے پروڈیوسر عزیزم نعمان بھائی کے ہاتھ کو پروردگار عالم تندرستی عطا فرما ان کو صحت کامل شفا کامل و عاجل عطا فرما ہمارے ساتھی سید مقدس کاظمی نعت خان منقبت گزار خدایا ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما اے کریم اللہ جہاں جہاں کوئی مریض ہے اس کو صحت کلی عنایت فرما ہم سب
سب کو روحانی و جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم اللہ، اپنا صالح بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اپنا تابع بندہ رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے کریم اللہ، تیری برگاہ میں ملتجی ہیں، ماہ رمضان مبارک کے بقیہ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، ہم سب کو قوت حافظہ نصیب فرما، علم دین و دنیا سے مالا مال فرما، ہمارے بچوں کو تقویٰ مرحمت فرما۔ خدایا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، منجی بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بك زهراء وابيها وبعلها وبنيها، رب صلي على محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ میاں، ابو کے جانے کے بعد جن کی وجہ سے اسکول جا رہی ہوں ان کا خیال رکھیے گا۔ تنہا ہونے کے باوجود بھی اکیلا نہیں ہوں، آغوش میرے لیے میرا واحد گھر ہے۔ دعا تقدیر بدلنے کا فن جانتی ہے، تو کیا ہی افضل ہو کہ کسی کی دعا لے لی جائے۔ الخدمت نبھا رہا ہے ہزاروں یتیم بچوں کی ذمہ داریاں، آپ بھی زکات و عطیات دے کر شامل ہو جائیں معصوم دعاؤں میں۔ کینسر کیئر اسپتال میں ان مریضوں کے چہروں پر مسکراہٹ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی زکات سے، آپ کے احتیاط سے۔ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، لاہور۔ Introducing the higher inverter series with full BTUs for powerful cooling, built-in UV protection and anti-corrosion coating for long life. Higher inverter series, the finest AC. Higher. Featuring twin inverter technology, twin turbo fans, ASPE sterilization, and HCS freshness technology, digital control system with four sensors, real freshness leader, higher. Simply Sufi Express. 7 saal ke safar ke piche 70 saal ka tajruba, international quality standards ke saath hamare behtareen zaike bhi. Simply Sufi Express ke paas پاکستان بھر کا اعتماد بھی۔ اپنائیت کے سفر میں آپ کے ساتھ نے بنائی ہے ہماری ایک الگ پہچان۔ ہم ہیں سمپلی صوفی ایکسپریس، ہم ہیں پاکستان۔ سمپلی صوفی ایکسپریس، آئی لائک اٹ۔ ہر کھانا اور ہر مومنٹ بنے اسپیشل ود دا کلرز آف کشمیر، کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی۔ کھانا تو بہانا ہے۔ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یہ خوبصورت نعت پینتھر ٹائرز کی طرف سے۔ نعمتوں میں برکتوں کا کمال، یہ سنہرا سلال، روح افزا، زندگی مبارک۔ اٹس امیزنگ، ہمارے بچے پلک جھپکتے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کو چاہیے امیونٹی اور بہتر نشوونما۔ نیسلے نینگرو میں شامل ہے ایچ ایم او، پرو بایوٹکس اور ہائی کوالٹی پروٹینز، جو آپ کے بچے کی امیونٹی اور بہتر نشو نما کو سپورٹ کرے تاکہ یہ آج سے بنے اسٹرانگ کل کے لیے۔ فرام نیسلے۔ افطار کلاک از براٹ ٹو یو بائی نیسلے نینگرو کے یونیک فارمولیشن، آپ کے بچے کی امیونٹی اور بہتر نشو نما کو سپورٹ کرے۔ افطار دعا از برٹ ٹو یو بائی روئل، ساتھ زندگی بھر۔
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اذان واز برٹ ٹو یو بائی پروجیکٹ آف کیو لنکس برٹ ٹو یو بائی zameen.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے. لاہور کے ہاٹسٹ کمرشل ایریا میں اپنا ریسٹورنٹ اور بزنس اون کرنے کا ونس ان اے لائف ٹائم موقع. کیو ہائی اسٹریٹ لاہور جو دے رہا ہے 100% کیپیٹل گینز اور 8% رینٹل ییلڈ کی گارنٹیڈ اپرچونیٹی. For booking and details, call 111-333-333. A project of Q-Links. Brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. Sirf Royal ACDC fans mein hai turbo speed. Aur dimmer ki bhi zarurat nahi. Permanent magnet motor se 50% bijli bachegi. Badle hawa ke rang. Royal fans ke Royal. Saath zindagi bhar ka. Sirf Royal ACDC fans mein hai turbo speed. Aur dimmer ki bhi zarurat nahi. Permanent magnet motor se 50% bijli bachegi. Badle hawa ke rang. Royal fans ke Royal. Saath zindagi bhar ka. Betiyan jahan bhi hon, mohabbaton se har ghar ko apna bana leti hain. Aur aapka? Hamara ghar nahi, hamara to sirf farz hi hota hai. Matlab hamara farz hota hai aap sab ki zindagi bhar hifazat karna. ऐसे ही मुगल सुप्रीम निभा रहा है अपना फर्ज और दे रहा है आपको जिंदगी भर की हिफाजत, क्योंकि घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है. इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी जकात और अतियात की. सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का.
اخوت آپ کے عطیات سے جڑے مواخات اور بھائی چارے کے جذبے کے تحت ایسے ہی کئی مستحق بچوں کی زندگی میں مجھے علم کی شمع کو پھر سے روشن کر رہا ہے۔ اپنی زکات اور اپنے عطیات اخوت کو دیجئے تاکہ علم کی یہ شمع جلتی رہے اور ان گنت خواب تعبیر کی منزل کو پہنچ سکے۔ زکات اور عطیات دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اخوت، ہم ہیں ایک دوسرے کی امید۔ کرشی جامع شیری دیتا ہے رمضان کا اصل احساس۔ کرشی جامع شیری، رونق رمضان۔ یہ خوبصورت نعت پینتھر ٹائرز کی طرف سے۔ سب کو میسی پڑی ہے اور انہیں ہماری، یہ تو دنیا کو دکھانا پڑے گا۔ اپنے فرض سے ہم پلٹ رہے ہیں پاکستان کا کھیل۔ تم بھی فون اٹھاؤ اور جہاں پی ایس ایل وہاں ایچ پی ایل۔ یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 33 ایئرز آف ٹرسٹ۔ yunusmobile.com، سمبل آف ٹرسٹ۔ اپنی زکات و عطیات نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کو دیں، فرض نبھائیں، زندگی بچائیں۔ 74A گارڈن بلاک، گارڈن ٹاؤن، لاہور۔ اتحاد ٹاؤن فیز 2، آسان اقساط محیط پیمنٹ پلان کے ساتھ 3 سے 20 مرلہ کے رہائشی پلاٹس، بکنگ صرف 20% سے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ تھیلیسیمیا خون کی خطرناک بیماری ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ریاض منصور ٹرسٹ میں ہر سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے۔ زندگی کے لیے ترستے ان بچوں کی سانس سے آپ کی مدد کی محتاج ہے۔ ان کے مفت علاج کے لیے اپنی زکات اور عطیات ریاض منصور ٹرسٹ کو دیں۔ اوبان ہوٹل افطار کم ڈنر بوفے۔ اوبان ہوٹل پیش کرتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر شاندار افطار کم ڈنر، تو تشریف لائیے لاہور کے خوبصورت ترین روف ٹاپ ریسٹورینٹ پر اور رمضان کی برکتوں اور نعمتوں سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ جہاں آپ کو ملے کھانوں کی مختلف اور لذیذ ورائٹی۔ ابھی رابطہ کریں UAN 111-11-6226۔ جیسے دوسروں کا خیال بناتا ہے رمضان کو خاص، ایسے ہی کرشی جامع شیری دیتا ہے رمضان کا اصل احساس۔ کرشی جامع شیری، رونق رمضان۔ Start your taste ki ek new story with Sabroso chicken kachori. Sabroso, the chicken specialist. Sirf Royal ACDC fans mein hai turbo speed aur dimmer ki bhi zarurat nahi. Permanent magnet motor se 50% bijli bachegi. Badle hawa ke rang Royal fans ke Royal saath zindagi bhar ka. Karshi jame shiri deta hai ramzan ka asal ehsaas. Karshi jame shiri, ronak e ramzan. Neimaton mein barkaton ka kamaal, ye sunehra salal, rooh afza, zindagi mubarak. فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بابا، یہ دادو کا گھر ہے یا ماما کا؟ میرا گھر کون سا ہے؟ یہ لو بیٹیاں، جہاں بھی ہوں محبتوں سے ہر گھر کو اپنا بنا لیتی ہیں۔ اور آپ کا؟ ہمارا گھر نہیں، ہمارا تو صرف فرض ہی ہوتا ہے۔ مطلب ہمارا فرض ہوتا ہے آپ سب کی زندگی بھر حفاظت کرنا۔ ایسے ہی مغل سپریم نبھا رہا ہے اپنا فرض اور دے رہا ہے آپ کو زندگی بھر کی حفاظت، کیونکہ گھر چھوٹا بڑا نہیں، گھر محفوظ ہوتا ہے۔ اربن سٹی انویلز گولف ویو ریزیڈنسز۔ So are you ready to live something more? Urban City Lahore 042-111-6688। Fountain House ko aapke taawun ki zarurat hai taaki hum zyada se zyada zehni taur par bimar aur pasmanda logon ko ek aasan aur behtar zindagi faraham kar sake।
इस साल अपनी ज़कात और अतियात फाउंटेन हाउस को दीजिए। आपका हसीन चेहरा आपकी शख्सियत की पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स। इतिहाद टाउन फेज टू आसान एक साथ मोहित पेमेंट प्लान के साथ 3 से 20 मरला के रिहायशी प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट सिर्फ 35,000 रुपए से। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अलखिदमत फाउंडेशन लाखों जरूरतमंदों की जिंदगियों में आसानी ला रहा है। ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं लाखों दुआओं में। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 33 years of trust. YunusMobile.com, symbol of trust. Urban City Lahore, Main GT Road par sabse bade front ke saath, jahan tamirati kaam tezi se shuru ho chuke hain. So are you ready to live something more? Urban City Lahore, 042-111-666-888. Aise hain hamare Pakistan ke log. Ye to puri duniya ko dikhana chahiye. अपने ख्याल से हम पलट रहे हैं पाकिस्तान का खेल। तुम भी फोन उठाओ और जहां PSL वहां HPL। थैलेसीमिया खून की खतरनाक बीमारी है। थैलेसीमिया के मरीजों को रियाज मंसूर ट्रस्ट में हर सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। जिंदगी के लिए तरसते इन बच्चों की सांस से आपकी मदद की बात आज है। इनके मुफ्त इलाज के लिए अपनी जकात और अतिया रियाज मंसूर ट्रस्ट को दें। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 किनाल का प्लॉट लिया और हो गए एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 111-333-987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। जैसे दूसरों का ख्याल बनाता है रमजान को खास, ऐसे ही कर्शी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। कर्शी जामे शीरी, रौनक रमजान। एक्वाफीना, जो कि वर्ल्ड क्लास हाइड्रो 7 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। एक्वाफीना, प्योरिटी गारंटीड। अफतारी में स्पेशल क्रीम चाट तो बनी होगी। हर अफतारी स्पेशल, क्यों नहीं? खालिस दूध से बनी पाकिस्तान's नंबर 1 ब्रांडेड डेयरी क्रीम, सिर्फ नेस्ले मिल्क पैक क्रीम बनाए। हर इफ्तार एक्स्ट्रा स्पेशल। From Nestle. This Ashradwa is brought to you by اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا۔ شہر رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتویں روزے کی افطاری آپ کو مبارک ہو۔ کشمیر کے کچن میں ہم آ گئے ہیں، اسد کے کچن میں ہم آگے ہیں۔ تو جناب کشمیر، ہمارے جناب ون آف دا مین اسپانسر آف آر کچن، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی 60 سال سے آپ کے مزیدار مومنٹس کا حصہ رہا ہے۔ نو میٹر وٹ دا اوکیجن، خوشی ہو یا پھر یو آر فیلنگ سیڈ، کسی کو منانا ہو یا اسٹریس بگانا ہو، کھانا ہیز آلویز بین دا پرفیکٹ بہانہ۔ کشمیر کوکنگ آئل، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ روز پیٹل کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے جناب۔ روز پیٹل بھی ہمارے کچن میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو روز پیٹل کا بہت بہت شکریہ کہ وہ بھی ہمارے کچن میں ہی ہے۔ اور سبروسو کا چکن بھی ہے جو بنتا ہے، اور سبروسو کی چکوریاں کچوریاں بھی ہیں، اور ان کے کافی چیزیں ہیں۔ تو سبروسو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ امنگ دوبالا، آہا بڑا بھول بھالا۔ امنگ دوبالا جو ہے جناب، بڑی آسانی سے آپ بریڈ پر لگا کر، روٹی نان کے ساتھ لگا کر کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بچپن میں ہم اس طرح بڑا کھاتے تھے، تو اب بڑے ہو کر بھی ہم کھائیں گے۔ تو امنگ دوبالا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ روح افزا بھی ہمارے ساتھ ہمارے کچن میں موجود ہیں۔ اور اسد بھائی، کیا بنایا آج؟ آج یہ دیکھیں، اسپیشل چکن کڑھائی آپ کے لیے، یہ آپ ٹیسٹ کریں۔ اور اس کے بعد سبروسو کا ہم نے اس میں چکن یوز کیا،
और इसका मेथड जो है मैंने पहले बता दिया था, और उसके बाद ये नगर्स हैं, समोसों के बहुत सी आइटम्स हैं, जैसे समोसा है, पकौड़े हैं, ये आप रेडी टू आपने सफाई करना है और आपने अफतारी में इसको सर्व कर लेना है। आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जितनी देर में मैं ट्राई करता हूँ आप कोई आज की अच्छी बात करें ना। जी जी, आज अच्छी बात नहीं, आज बल्कि शेर मेरे ज़हन में आ रहा है बिलाल भाई। शेर? जी जी, शेर तो चिड़ियाघर में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर भी है। ठीक है जी, करेंगे। आज मैंने सुनाता हूँ आपको, कहते गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर। बिलाल भाई, गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर, अगर गिरे सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई भी हसरत अधूरी ना रहे। सारे बोलेंगे वाह 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 बोलते हैं शेर सुनकर। वाह 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 वाह। अब वहाँ पे देखो और बोलो कि हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छी सी ब्रेक करनी है, आज लाल रंग का कपड़े पहन कर आए, बड़े प्यारे लग रहे हो। वहाँ पे बोलो ब्रेक पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, बिलाल भी खा रहे हैं कढ़ाई, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओए होए होए, छा गए। हमारे बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। नेस्ले नैनगो की यूनिक फॉर्मुलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे। एक्वाफीना, जो कि वर्ल्ड क्लास हाइड्रो 7 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। एक्वाफीना, प्योरिटी गारंटीड। अपनी मेहमान नवाजी से हम पलट रहे हैं पाकिस्तान का खेल। तुम भी फोन उठाओ और जहां PSL वहां HPL। फाउंटेन हाउस को आपके तावन की जरूरत है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ज़हनी तौर पर बीमार और पसमानदा लोगों को एक आसान और बेहतर जिंदगी फराहम कर सके। इस साल अपनी ज़कात और अतियात फाउंटेन हाउस को दीजिए। कर्शी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। कर्शी जामे शीरी, रौनक रमजान। हर खाना और हर मोमेंट बने स्पेशल विद द कलर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, खाना तो बहाना है। आपकी ज़कात और अतियात का एहसान बनाए लाखों कीमती जिंदगियां आसान। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट अस्पताल लाहौर। ज़कात और अतियात के लिए राब्ता करें 0309-333-0125। सबको मैसी पड़ी और इन्हें हमारी, ये तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा। अपने फर्ज से हम पलट रहे हैं पाकिस्तान का खेल। तुम भी फोन उठाओ और जहाँ PSL वहाँ HPL। अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुबत को दीजिए, ताकि इल्म की ये शम्मा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अखुबत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद। कर्शी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। कर्शी जामे शीरी, रौनक रमजान। इतिहाद टाउन फेज 2, 2.66 से 5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। बुकिंग सिर्फ 20%। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सलाल, रूह अफजा, जिंदगी मुबारक। क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। या मोहम्मद मुस्तफा। ये खूबसूरत नात पैंथर टायर्स की तरफ से। अपनी ज़कात और अतियात नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन को दें। फर्ज निभाएं, जिंदगी बचाएं। 74A गार्डन ब्लॉक, गार्डन टाउन, लाहौर। ओबान होटल इफ्तार कम डिनर बुफे। ओबान होटल पेश करते हैं रमजान अल मुबारक के बाबरकत मौका पर शानदार इफ्तार कम डिनर। तो तशरीफ लाइए,
लाहौर के खूबसूरत तरीन रूफ टॉप रेस्टोरेंट पर और रमजान की बरकतों और नेमतों से भरपूर लुत्फ उठाएं, जहां आपको मिले खानों की मुख्तलिफ और लजीज वैरायटी। अभी राब्ता करें UAN 111-11-6226। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी जकात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। इतिहाद टाउन फेज 2.66-5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। इंस्टॉलमेंट सिर्फ 35,000 रुपए से। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। थैलेसीमिया खून की खतरनाक बीमारी है। थैलेसीमिया के मरीजों को रियाज मंसूर ट्रस्ट में हर सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। जिंदगी के लिए तरसते इन बच्चों की सांस से आपकी मदद की बात आज है। इनके मुफ्त इलाज के लिए अपनी जकात और अतिया रियाज मंसूर ट्रस्ट को दें। अर्बन सिटी अनवील्स गोल्फ व्यू रेजिडेंसेस। सो आर यू रेडी टू लिव समथिंग मोर? अर्बन सिटी लाहौर 042-111-6688। जैसे दूसरों का ख्याल बनाता है रमजान को खास, ऐसे ही कर्शी जाम शीरी देता है रमजान का असल एहसास। कर्शी जाम शीरी रौनक रमजान। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे बेहतरीन जायके भी। मुस्कुराती खिलखिलाती इन खुशियों के संग आपकी पसंद का ख्याल भी। सिंपली सूफी एक्सप्रेस, आई लाइक इट। शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक का सातवां रोज़ा इख्तिताम पे पहुँचे, इफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और अब बारी है क्विज़ राउंड की। मिन्हाज यूनिवर्सिटी से आज भी 3 तलबा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, ज़ियाउल हसन, रोहा बतूल गज़ाली और मोहम्मद अरसलान। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं, इफ्तारी कर ली आप लोगों ने? राजबाज के खाया है? हंसते मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, बसते रहें। तो जनाब बजर राउंड है, सवाल बड़े आसान, जवाब मैं आपको बता दूंगा, 4 ऑप्शंस दे दूंगा, जिसको जवाब आता हो बजर प्रेस करे, जो बजर प्रेस करेगा उसको मौका मिलेगा जवाब देने का, और लड़ना नहीं झगड़ना नहीं है, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह खेलना है, ठीक है जी? तो सवाल जनाब, पहला सवाल है, ज़कात किस हिजरी में फ़र्ज हुई? 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी? 2। रोहा? 2। बिल्कुल ठीक है। किस साल सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया था? 1935, 1936, 1947? 1935, 1936, 1947? 47। गलत जवाब, 1935। ओके हाँ, जब बजर प्रेस कर लें उसके बाद मैं बताऊंगा कि किसने जवाब देना है, फिर वो जवाब दे, ठीक है मेरा बेटा? चलो, मेरे जितनी हैं आप, मैं बेटा बेटा क्या कह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरे अंदर ममता ही बढ़ी है। अच्छा जी, रमज़ान के दूसरे अशर को क्या कहते हैं, जहन्नम से निजात, मगफरत या रहमत? जी भाई आप बताएंगे, ऑप्शन दीजिए। रमज़ान के दूसरे अशरे को क्या कहते हैं, जहन्नम से निजात, मगफरत का अशरा या रहमत का अशरा? मगफरत का अशरा। बिल्कुल ठीक जवाब है, रहमत का। दूसरे अशरे को मगफरत का कहते हैं, पहला रहमत का भी चल रहा है, कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए पहले पूछा था अफ्तारी की है कि नहीं की है, कोई बात नहीं। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर एक आयत में नाम अल्लाह आया है? सूरत मोहम्मद, सूरत इखलास या सूरत मुजादला? रोहा नहीं, अच्छा उन्होंने दिया, ठीक है, पहले बजर आप बताएं। सूरह इखलास? नहीं, सूरतुल मुजादला। ओके जी, अगला सवाल है, किस नमाज का सवाब हज या उम्रे के बराबर है? नमाज इशराक, नमाज जनाजा या नमाज इस्तख्सा? नमाज ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन पूछने के लिए बजर दबाया था, ठीक है सर। नमाज इशराक, नमाज जनाजा या नमाज इस्तस्का? नमाज इस्तस्का। गलत जवाब, नमाज इशराक। तुक्का ज़रूर मारें लेकिन सही वाला मारें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, कुरान मजीद के 30वें पारे में कितनी सूरतें हैं? 37, 38, 39, 40? 40। रोहा? 40। नहीं, 37। तुम्हें पता है रोहा को मैं डांट भी सकता हूँ, रोहा मेरी भांजी का भी नाम है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मामू भांजी खेल रहे हैं यहाँ पे। ओके, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने पहली बार कब गोल्ड मेडल जीता था? 1960, 1965, 1964? जी रोहा, 1964। अच्छा जी, ठीक है, आज क्या हो रहा है? रूह अल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? किसने बजर प्रेस किया नोमी? जी भाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन, 50 दिन, 30 दिन?
40 दिन। बिल्कुल ठीक जवाब है। पाकिस्तान इक्वामे मुताहदा का रुकन कब बना? 1977, 1947, 1949? रोहा 1949। अच्छा। फैसल मस्जिद की तामीर कब मुकम्मल हुई? 1960, 1961, 1962? 1962। क्या बात है, आज मेरे जैसे स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर जिन्होंने कोई जवाब खास नहीं आंदे सन, कोशिश बहुत अच्छी की। जी कौन है हमारा? तीनों ने एक एक जवाब दिया। नहीं, किसने सबसे ज़्यादा जवाब सही दिए हैं? हैं जी, जियाउल हसन ने। जियाउल हसन, आपको लगता है आपने? मुझे नहीं लग रहा जिया ने सबसे ज़्यादा दिए। रोहा ने दिए या जिया ने दिए ज़्यादा सही जवाब? हैं, अच्छा, तो आपका एक पॉइंट से आप जीत गए हैं, आपको पता है। भाई तालियां बजाएं जी, जियाउल हसन के लिए तालियां बजाएं। हमारे क्विज राउंड के आज के हमारे विनर हैं और आपके लिए जनाब करशी का मरहबा का गिफ्ट हैम्पर है और तिफल का गिफ्ट हैम्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और रोहा, वेल डन, गुड ट्राई, आपने भी बहुत अच्छी ट्राई की। अरसलान और जनाब, आप कैसे हैं, कहाँ हैं यार, कब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। कॉल करें ना 03172424045। ब्रेक के बाद आप, आपकी कॉल्स, हम गपशप, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी 42। करशी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। करशी जामे शीरी, रौनक के रमजान। बेटियां जहां भी हों, मोहब्बतों से हर घर को अपना बना लेती हैं। और आपका? हमारा घर नहीं, हमारा तो सिर्फ फर्ज ही होता है। मतलब हमारा फर्ज होता है आप सब की जिंदगी भर हिफाजत करना। ऐसे ही मुगल सुप्रीम निभा रहा है अपना फर्ज और दे रहा है आपको जिंदगी भर की हिफाजत, क्योंकि घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। स्टेप प्रेप इवनिंग कोचिंग के साथ 4 साल तक मुफ्त तालीम हासिल करना चाहते हैं? अभी विज स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करें और 1500 टॉप स्कोरर्स में शामिल हों। 9th क्लास के लिए 4 साल की मुफ्त तालीम, 10th के लिए 3 साल, 1st ईयर के लिए 2 साल। Register now and start your legacy to success with Step Prep. इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी जकात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। आपका हसीन चेहरा आपकी शख्सियत की पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स। इतिहाद टाउन फेज 2 2.66 से 5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। इंस्टॉलमेंट सिर्फ 35,000 रुपए से। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। करशी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। करशी जामे शीरी, रौनक रमजान। Shopping, entertainment,
और डाइनिंग का सेंट्रल कमर्शियल हब क्यू हाई स्ट्रीट लाहौर, जहां हैं लुक्रेटिव कमर्शियल आउटलेट्स और कुशादा कार पार्किंग स्पेस। लाहौर के हॉटेस्ट कमर्शियल एरिया में अपना रेस्टोरेंट और बिजनेस ओन करने का वंस इन अ लाइफ टाइम मौका। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल 111-333-333। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्यू लिंक्स ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। हर पता हमें पता है। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के साथ जिंदगी भर। अर्बन सिटी अनवील्स गोल्फ व्यू रेजिडेंसेस। सो आर यू रेडी टू लिव समथिंग मोर? अर्बन सिटी लाहौर 042-111-666-888। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सलाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान के लोग, ये तो पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। अपने ख्याल से हम पलट रहे हैं पाकिस्तान का खेल। तुम भी फोन उठाओ और जहां PSL वहां HPL। शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। जनाब आज सातवां रोज़ा था जिसकी इफ्तारी हमने कर ली है और अब हमारी ट्रांसमिशन का ये फाइनल लास्ट सेगमेंट है जिसमें आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार है क्योंकि हमें आपसे प्यार है। नंबर है 03-172-424-045। कॉल करें, जो चाहें हमसे कहें, क्रिटिसाइज़ करना चाहें सो बिस्मिल्लाह, अप्रिशिएट करना चाहें जैसा आपका दिल जाए, क्योंकि ये ट्रांसमिशन आपकी है, सिटी 42 आपका है। यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त वार्डरोब प्रोवाइड करने के लिए। आप हमेशा इतने अच्छे कलर्स जो हैं गर्मी में, इतने ठंडे ठंडे कलर्स हमें पहुंचाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यूनिवर्स। जनाब लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मरियम मेरी दादी का भी नाम है, इसलिए मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ इस नाम से। अच्छा, थैंक यू। यू वेलकम बेटा। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हो, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। अरे आज हमारा टॉपिक भी इस्लाम और साइंस था, आपने सुनी थी ट्रांसमिशन में अलामा साहब की बातें? जी जी मैंने सुनी थी। वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। और कौन सी क्लास में हो? मैं स्टडी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओ इतनी बड़ी हो? मैं बेटा बेटा कर रहा हूँ, मुझे लगा कि 6th 7th की स्टूडेंट हो। चलो चलो दैट्स वेरी गुड वेरी गुड। और जनाब आपके लिए शहर रमज़ान की तरफ से कैनन की जो इस्त्री है, आयरन है, वो गिफ्ट आपको दी जाती है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, अच्छी अच्छी स्टडीज़ करें, साइंस पढ़ें, और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा जी। Let's see who is the next caller on the line. Raheel, Nahil. Welcome. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी, हम बात कर रहे हैं। क्या मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आई एम सॉरी। नाहिद जी बात कर रही हैं? जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता दूँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये कौन रो रहा है? रो कौन रहा है? नहीं नहीं, नहीं रो कौन रहा है? पीछे कोई रो रहा है, कोई बेबी छोटा सा? नहीं यहाँ कोई नहीं रो रहा। अच्छा 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 अच्छा, जो मेरे बच्चे रोते हैं ना तो मुझे हर वक्त यही सुनाई देती है, यही आवाजें, तो इसलिए मैंने कहा शायद। क्या करती हैं आप नाहिद जी? आप क्या करती हैं? मैं घर में होती हूँ, मुझे क्या करना है। जबरदस्त यार, काश मैं भी ऐसे ही जिंदगी गुजार सकूं और कह सकूं कि मैं भी घर में होता हूं और क्या करना है। लेकिन घर जो है वो आपसे ही सजता है, हमारी जो अम्मियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भाभियाँ हैं, हमारे जो बड़े हैं उनसे ही। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका साया आपके घर वालों के सर पर सलामत रखे, और अल फतेह का जो गिफ्ट हैम्पर है शहर रमज़ान की तरफ से वो आपके लिए है नाहिद जी, और कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आजो 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 आजो, आओ मेरा बेटा, आओ आ जाओ मेरा बेटा, शाबाश। ओ आज आज तरक्की हो गई है।
यार जबरदस्त, यानी कि मुझे लगा था कि रिजवान सुपर है, लेकिन ये तो सुपर से भी ऊपर सुपर ले आया जनाब। क्या बात है रिजवान, थैंक यू सो मच, आप सुपर लेकर आए, लेकिन मेरे सुपरमैन तो आप ही हैं क्योंकि इतनी अच्छी चाय जो आप मुझे पिलाते हैं। रिजवान के लिए तालियां बजाएं सारे, ये सारे ना तुमसे जलते हैं, कोई ताली नहीं बजाता, देख रहे हो कि सारे। हाँ हाँ रख दो, चलें जीते रहो, खुश रहो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, तो मेरी चाय तो आ गई है, आप लोगों को चाय मिल गई है, चाय पी ली आप लोगों ने इफ्तारी करके? किस किस को आदत है चाय पीने की? चाय के अच्छा शेख साहब ज़रूर ज़रूर चाय पिए, बहुत अच्छी बात है। एहसन ने बनाई है आपके लिए, ध्यान से पीजिए। हाँ जी रहमान, अरमान मेरे अरमान है कि मुझे चाय मिले और मिल गई। तो अरमान आपके क्या अरमान है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मेरा अरमान था आपसे बात करने का, आपसे मुलाकात करने का, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके बिलाल भाई। थैंक यू मेरी जान, ये इस तरह बात करना ये मुलाकात के ही बराबर है, इसलिए क्योंकि जब आप लोगों की कॉल कनेक्ट हो जाती है, बहुत से लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो यू आर द लकी वन हु हैज बीन चोजन बाय अल्लाह, तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती के शहर रमजान का हुसैन जी। करछी का जामे श्री का गिफ्ट हैम्पर डन हो गया यार, कोई ले की फरमाइश कितनी है नहीं छोटी जी, करछी जामे श्री का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए आ गया, और बताएं वो सब बता ही ना देना, मैंने यही पूछा है प्यार में। मरहबा भी दे दें, मेरी चाय भी ले जाओ अरमान, मेरी चाय भी ले जाओ, तुम सब ले जाओ, सबको गिफ्ट देने हैं आपके लिए, करछी का जामे श्री का गिफ्ट हैम्पर, ठीक है? थैंक यू फॉर कॉलिंग अरमान, जीते रहें खुश रहें। तो जनाब ये एक्साइटमेंट मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि आई यूज़ टू बी लाइक दिस कि मैं भी प्रोग्राम्स में शिरकत का मुझे बड़ा शौक होता था, अब तो शौक होता है SHOCK वाला, पहले शौक होता था शीन वाओ काफ वाला, तो आई कैन अंडरस्टैंड द कैफियत, वो जो एक्साइटमेंट में जो है लोग वो इस तरह हो जाते हैं। जवाब जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जवाब, माशाल्लाह अफ्तारी में क्या खाया था आज? बिलाल साहब अरमानों का अरमान लेके भी आपसे, मुझसे पहले जो कॉलर था अरमान, आपने उससे पूछा कि आपका क्या अरमान है। जवाद भाई मैंने पहचान लिया आपको, आपका वो अल्फते का गिफ्ट टाइम पर पहुंच जाएगा, मुझे नाराज ना होना, आप वो नोमिनी एड्रेस ले लिया आपका, आप तक पहुंच जाएगा। पता है यार आपने जो गिफ्ट खालिद भट्ट साहब के लिए दुआ करके वो कर दिया, वो उससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमारे लेजेंड, हमारे उस्ताद, हमारे बड़े, हमारे बहुत ही मोहतरम और प्यारे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और मैं और आप साथ ही थे उनके जनाजे पर, और हमने उस दर्द को महसूस किया जो उनके बगैर, उनके बाद जो उनकी पूरी फैमिली ने भी महसूस किया। अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता करे, और बस ऐसे ही है, दुनिया का निज़ाम है, चलते रहेगा। जवाद भाई रमजान की भी यादें वाबस्ता, लेकिन बहरहाल आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें और आपके सामीन की मोहब्बतें, उन्होंने भी अपनी दुआओं में, आपके नाज़रीन ने भी अपनी दुआओं में खालिद भट्ट साहब को याद रखा, बिल्कुल उनके लिए दुआ की, बिल्कुल। बाकी आपकी मोहब्बत है यार, चाय पिला दोगे तो पी लेंगे यार। ताड़ी कॉल किस तरह मिल जाती है, मैंने दोस्तों दूजी वारी मिल गई है, लोगों की एक बारी नहीं मिलती, तारी दूजी वारी मिल गई है। जवाद भाई इसको इसको कहते हैं दिल से मोहब्बत, कि आप ये देखो कि मैं बिलाल कुरैशी को देखने के लिए कितना उतावला हुआ होता हूँ, कि नमाज और सुन्नतें पढ़ के फौरन मैं आके टीवी के आगे बैठ जाता हूँ, कि यार नमाज से अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद में बिलाल को तो देखो ना, ये तुसी यही हुआ है, नेकी कर दरिया में डाल। उसकी जो गुफ्तगू और उसका जो अंदाजे गुफ्तगू, माशाल्लाह ये सफर बिलाल आपने दोनों ने मिलकर शुरू किया था। सर आप मेरे बड़े मोहतरम हैं और मेरे स्ट्रगल टाइम के मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। असगर अली का गिफ्ट हैम्पर आज आपके लिए अनाउंस कर रहे हैं, और ये आप तक दोनों साथ ही पहुंच जाएंगे, आपका पिछला गिफ्ट भी और ये भी, ठीक है जवाद भाई? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जवाद भाई, बहुत अच्छा लगता है, हमारे अपने बड़े जो हैं ये हमारी फील्ड के बड़े मायनाज लोग होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इनकी अप्रिसिएशन मिलना भी जो है वो बड़ी बात होती है। सो आई एम लकी इनफ टू हैव दिस अप्रिसिएशन फ्रॉम जवाद भाई। जवाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डू वी हैव मोर टाइम टू टेक कॉल्स और 30 seconds? तो जनाब एक बार फिर हमें जाना है और इस सारे रस्म व रिवाज को निभाना है कि कल वापस लौट के आना है, तुमने कहीं नहीं जाना है। तो जनाब इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपने होस्ट अपने दोस्त बिलाल कुरैशी को दें इजाजत, देखते रहिए सिर्फ 42।
दिस हेल्थ टिप इज ब्रॉट टू यू बाय क्योंकि बच्चों के नशेनुमा पे नो समझौता. अनार के फायदे. अनार का इस्तेमाल दिल को ताकत देता है, जिगर की इसलाह करता है, कै और मतली को रोकता है, यरकान में मुफीद है, जहनी बेचैनी को दूर करता है, तपेदिक के मरीजों के लिए बेहतरीन गिजा है. कुदरती अज्जा से बना शरबते मुसरत अफतार में ताजगी और तवानाई के लिए. शरबते मुसरत अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ सूफी ग्रुप. Menthol Ice, Lemon and Vitamin C, Aloe Vera. Faiza Face Wash se lo, pure aitmaad lo. इतिहाद टाउन फेज 2 2.66 से 5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं. बुकिंग सिर्फ 20% से. मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें. ओबान होटल इफ्तार कम डिनर बुफे. ओबान होटल पेश करते हैं रमजान अल मुबारक के बाबरकत मौका पर शानदार इफ्तार कम डिनर. तो तशरीफ लाइए लाहौर के खूबसूरत तरीन रूफ टॉप रेस्टोरेंट पर और रमजान की बरकतों और नेमतों से भरपूर लुत्फ उठाएं. जहां आपको मिले खानों के मुख्तलिफ और लजीज वैरायटी. अभी राब्ता करें UAN 111-11-6226. कुदरती अज्जा से बना शरबते मुसरत अफतार में ताजगी और तवानाई के लिए. शरबते मुसरत अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ सूफी ग्रुप. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अम्मा का दर्द तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. मुझे कुछ करना चाहिए. यम्मी को जॉइंट ऑन बाय सुकून यूज करो. अम्मा इसे खाना नहीं सिर्फ लगाना है. सुकून से आप भी पुरसुकून हो जाएं. सोने की तलाश. सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की टिकिया में मौजूद कूपन के QR कोड को स्कैन करें और व्हाट्सएप करके हासिल करें सोने के सिक्के और बेशुमार कीमती इनामात. सूफी सोप, सोना है इसमें. Be Pakistani, buy Pakistani. Snow White Washing Powder, Shararti Daagon Ka Dushman. ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज थिएटर्स सिनेमास आर्ट गैलरीज थीम पार्क्स. अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी. और वो भी घूम घुमा कर नहीं मेन GT रोड पर. और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड. बस 3-5-10 मरला और एक किनार का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू. इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ. तो अपना फोन निकालें और डायल करें 111-333-987. लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी. हैप्पीनेस लिव्स हियर. सिटी क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय. अपना फोन निकालें और डायल करें 111-333-987. लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी. हैप्पीनेस लिव्स हियर. लाहौर शहर की सब बातों के साथ मैं हूं सफारे आज.